ऑन कर दो भाई, आवाज थोड़ी कम कर दे भाई। माइक चेक चेक, थोड़ा कम और। ओके डन, स्टार्ट। ओके ओके गाइस, गुड मॉर्निंग क्लास। ओके लेट्स स्टार्ट गाइस। सो दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 और उसका जो चार्ट चल रहा है, कोर बैंकिंग चल रहा है हमारा, और उसमें कल हमने पामला को देखा, राइट? Yes, साथ साथ में हमने सारे लॉस कल देख लिए। कल हमने ये पेज को देखा था, रिमेंबर? दिस पेज वॉज डन। एवरी वन ऑफ यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है? अब देखो हमारे पास में क्या कुछ चीजें हैं। दिस इज दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये बहुत कुछ है। ये सारी चीजें यहाँ पे है। पेज नंबर इज या पेज नंबर 5.58। कैन यू सी दिस कासा? या कासा, और बाजू में ठीक लग के उसको क्रेडिट कार्ड का प्रोसेसिंग है, बिजनेस प्रोसेस फ्लो ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, दिख रहा है क्या? पर आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर नेक्स्ट पेज पे भी और कुछ पूछा है, बिजनेस प्रोसेस फ्लो ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स। उसमें लिखा है प्रोसेस फ्लो ऑफ ऑथराइजेशन प्रोसेस, यहाँ पर देखो बी में लिखा है, अंडरलाइन द वर्ड ऑथराइजेशन प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड। पेज नंबर 5.59 में, और लिखो सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन, यहां पे लिखो सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन ऑन 5.58। सावधान इंडिया, सावधान रहे, सतर्क रहे। यहां पे लिखो सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन इज नहीं, सिमिलर क्वेश्चन चलता, सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन ऑन 5.58। और जाओ 5.58 पे लिखो, देखो 5.58 पे भी क्रेडिट कार्ड है, राइट साइड में लिखो सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन ऑन 5.59, सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन ऑन 5.59, सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन ऑन 5.59, बी केयरफुल। उसके साथ सेम क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे भी दिया हुआ है। तो दो क्वेश्चन हमारे पास एक जैसे, यहां पे क्या लिखा है, प्रोसेस फ्लो ऑफ इशूइंग क्रेडिट कार्ड, अंडरलाइन द वर्ड इशुएंस। ये इशू करते समय है, यानी कि यहां पे पहले कार्ड मिलने के लिए, नेक्स्ट पेज पे आओ, वहां पे कार्ड मिल चुका है, कार्ड से हम लोग जो स्वाइप करते हैं तक की बात है, राइट? लिखो यहां पे लिखो, इट इज दिस प्रोसेस इज डन व्हेन वी स्वाइप द कार्ड एट द शॉप, दिस प्रोसेस इज डन व्हेन वी स्वाइप द कार्ड। यहां पे दिस प्रोसेस इज डन व्हेन वी स्वाइप द कार्ड, स्वैप बोलेंगे क्या, स्वाइप बोलेंगे, वेरी गुड, व्हेन वी स्वाइप द कार्ड। ओके चलो बच्चों, अब जरा ऊपर जाओ 5.58 पे, ये दो आजू बाजू में दो डायग्राम दिख रही होगी, क्या आपको लगता है दोनों सेम ही है? हाँ ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, पर कुछ ऐसा है, वहां पे लिखा है कासा खोलने के लिए और यहां पे लिखा क्रेडिट कार्ड पाने के लिए। तो क्रेडिट कार्ड पाना है तो क्या करें, और अगर आपको करंट अकाउंट खोलना है तो क्या करें, है ना, ये लिखा है। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड पाना है तो आपने राइट साइड वाला काम करना चाहिए, अगर आपको करंट अकाउंट खोलना है तो ये करना चाहिए। देखते हैं करंट अकाउंट खोलने के लिए बैंक में करना क्या पड़ता है। सबसे पहले कहां जाएंगे आपके, इसमें दो ऑप्शन है, एक तो आप कंप्यूटर के थ्रू जाएंगे, एक तो मैनुअल के थ्रू जाएंगे। तो यहां पर लिख दो ऑनलाइन, यहां पर लिख दो ऑनलाइन, और यहां पर लिखो मैनुअल। ऑनलाइन यहां पर, यानी कि यहां पर इस एरो पर ऑनलाइन, इस एरो पर ऑनलाइन, हो गया लिखिए। उसके बाद में इस एरो पे लिखो मैनुअल, इस नीचे वाले,
एक तो आप ऑनलाइन जा सकते हो राइट साइड में और नीचे जा सकते हो मैनुअल, और मैनुअल जाके आप किसको मिलोगे, अंडरलाइन द वर्ड आरएम, आरएम को अंडरलाइन करो, इधर अंडरलाइन करो केवाईसी, उधर अंडरलाइन करो ई केवाईसी, इधर केवाईसी उधर ई केवाईसी, समझ गया ई क्या है, यानी कि आपको ऑनलाइन आधार कार्ड देना है, यहां पे आप मैनुअल आधार कार्ड दोगे, और दोनों के दोनों डेटा कहां जाएंगे, ये दोनों के दोनों रिवर इस सी में जाके मिलेगी, उसी का नाम क्या है आरएम, आरएम को अंडरलाइन कर दो। आरएम क्या करेगा, केवाईसी देखेगा, अगर उसको लगता है केवाईसी सही है पर उसकी औकात नहीं है कि वो रिस्क चेक करे, रिस्क असेसमेंट करे, क्रेडिट असेसमेंट चेक करे, उसको पता ही नहीं है कि उसको कितना उधारी में मिलना चाहिए, इसलिए कहां जाएगा नेक्स्ट, अंडरलाइन द वर्ड रिस्क टीम असेस, रिस्क टीम असेस, क्या असेस करती है, इसको लोन देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, अंडरलाइन द वर्ड रिजेक्ट, अंडरलाइन द वर्ड अप्रूव्ड, सबसे राइट साइड में देखो रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट कब करेंगे, जब उसको लगता है उसकी औकात की भार मांग रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे, उसको लगता है कि वो जितना मांग रहा है उतनी औकात सही है, अप्रूव करेंगे, है गाइस कम ऑन। उसके बाद में क्या हो रहा है, एक बार अप्रूवल मिल गया तो फिर क्या, बोलो भाई आगे क्या, अप्रूवल मिल गया तो अभी तक उसको पैसे तो मिले नहीं है, ना कि उसको फैसिलिटीज यूज करने का टाइम आया है, उसको तो अभी बैंक अकाउंट उसका खुला ही नहीं है, तो ऑन द कंफर्मेशन ऑफ द रिस्क टीम कासा अकाउंट इज ओपन, यानी कि इसके बाद अब क्यों उसको उसको लोन वगैरह नहीं चाहिए, आई मीन जस्ट यू नो उसकी क्रेडिबिलिटी है नहीं, वो चेक कर रहे हैं बस, ये तो लोन नहीं सिर्फ कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खोलने का एक काम चल रहा है, यहां पे अभी भी क्या नहीं हो रहा है, ये लोन की बात नहीं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खोलने का प्रोसेस है, और बैंक में उन्हीं लोग अकाउंट खोलता है जिनकी औकात होती है, क्योंकि आपका एक सवाल होगा थर्ड नंबर का पॉइंट क्यों चल रहा है, रिजेक्ट कौन से, जो लोग की औकात नहीं है, जो लोग अरे यार विजय माल्या आ जाएगा बोलेगा मेरा अकाउंट खोलो, तो हम बोलेंगे दूरी रहे भाई, उस रिजेक्ट कर देंगे उसको, ठीक है ना, तो रिस्क असेसमेंट की टीम जो है वो चेक करती है इसका अकाउंट खोलना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, अकाउंट क्रेडिट वर्दी है कि भी नहीं, क्योंकि क्यों ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगले कुछ पेजेस पे आपको लोन लेने का भी अलग डायग्राम है, नहीं नहीं अभी होने दो, यहां पे देखो, नहीं देख लो चलो इधर आओ मेरे पास आओ चलो, ये देखो ये क्या है, देख लो आप ही देख लो क्या है, ये फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि आपको लोन लेना है, तो लोन लेने के डायग्राम अलग है, वो लोन नहीं चल रहा है, वो अकाउंट खोलना है बस, खाता खोलना है, खाता खोलने के लिए भी आपके पेपर चेक किए जाते हैं, माइंड इट ओके, ये सिर्फ लोन लेने देने का ही टाइम नहीं है, अगर आपका अकाउंट खोला जा रहा है फिर भी आपके औकात मतलब इन द सेंस आप हो कौन, आपका बैकग्राउंड कहीं चोर है तो फिर वो खोलेगा ही नहीं, आपके नाम पे हर दिन एफआईआर छपता है, समझ आ रहा है क्या ये, क्योंकि कई लोगों को लगता है यहां पे क्रेडिट असेसमेंट रिस्क असेसमेंट टीम करके आ रही, फिर यहां पे प्रॉब्लम है ना, रिजेक्ट क्यों किया, दिखा देखो रिस्क टीम असेस द कस्टमर्स बैकग्राउंड क्रेडिबिलिटी और उसको अलॉट कर देते एक लिमिट, मैं एक लिमिट कोई हद तक का लोन अगर चाहे तो दे सकते हैं, पर उसका 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 इंटेंशन बैंक में आने के लिए लोन लेना नहीं था, सिर्फ हम लोग वो बाय प्रोसीजर बोलते थे भाई ठीक है तेरा ये लिमिट हो सकता है अगर तुझे लोन चाहिए तो, ठीक है ना, देखो यहां पर लिखा बैकग्राउंड क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी उसकी औकात चेक करते हैं, ठीक है ना, अब बता दो बच्चों यहां पे उसको दे दिया कासा अकाउंट खोल दिया एंड कस्टमर मेक्स द यूज ऑफ व्हाट, यानी उसको डेबिट कार्ड दिया होगा क्रेडिट कार्ड दिया होगा या मान लो उसको चेकबुक दिया होगा पासबुक दिया होगा उसको नेट बैंकिंग के पासवर्ड दिए होंगे तो ही विल स्टार्ट यूजिंग द बैंक, इज इट ओके, पर आपको पता है कि इन चारों के नाम है, इन चारों के लेफ्ट साइड में लिखेंगे, सबसे पहले एक पे सुन लो ये कौन सा बैकग्राउंड है, ये कस्टमर है ऊपर वाला, ये कौन सा है आरएम, तीसरा कौन सा है रिस्क असेसमेंट टीम और लास्ट में क्या नाम था उसका याद नहीं आ रहा, कुछ तो नाम है इसका डिसबर्समेंट, कुछ तो नाम है डिसबर्सल, आप कुछ भी अंदाजे मत दो क्या नाम था ये बताओ, फोर्थ का कासा अकाउंट लिखो, सबसे पहले लिखो कस्टमर, चार बच्चे हैं इस डायग्राम में, सबसे पहले कौन सा है कस्टमर, नंबर टू, नंबर टू आरएम कम ऑन, नंबर थ्री, नंबर थ्री रिस्क असेसमेंट टीम, रिस्क असेसमेंट टीम और बोलिए नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड नहीं बेटा ये क्रेडिट कार्ड थोड़ी ना है चिंटे, गुड मॉर्निंग, घर जाना है तो कुछ भी बोल रही है,
नंबर चार क्या बोल रहे हैं? कासा, कासा अकाउंट कंफर्मेशन। देखो लेफ्ट वाली और राइट वाली सेम लगती है। देखो लेफ्ट वाले और राइट वाले में बताओ डिफरेंस क्या है? सब सेम ही लगता है, सिर्फ फोर्थ वाला चेंज है। तो एकदम एक दोनों डायग्राम जहां खत्म हो रही ना नीचे, तो नीचे एक थोड़ा सा लाइन जैसी जगह होगी। देखो लेट जाओ उस लाइन पे, वापस बोलता हूं। देखो ये पेज के अंतिम में एकदम नीचे डेड एंड पे है ना, मुझे दोनों डायग्राम के लिए एक कॉमन लाइन लिखवाना है। लिखो इन अबाउट टू डायग्राम एवरीथिंग सिमिलर एक्सेप्ट व्हाट फोर्थ फेज। इन अबाउट टू डायग्राम्स एवरीथिंग सेम। इन अबाउट टू डायग्राम्स एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट फेज फोर। सही है। फेज फोर में क्या क्या है उधर? इधर क्या है? लिखो लिखो इन इन कासा फोर्थ फेज इज नोन एज। बोलो फोर्थ फेज का नाम क्या है इधर? कासा अकाउंट कंफर्मेशन। वेयर एज इन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस फोर्थ फेज इज नोन एज। बोलो भाई नोन एज व्हाट? क्या है इसका नाम? क्रेडिट कार्ड। हाँ आप बोलो छिंटे। क्रेडिट कार्ड डिसबर्समेंट। अच्छा है, जरा इधर आओ बाजू में। क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस में बोलो क्या बोलेंगे वहां पे? ए मुगली गुड मॉर्निंग। पूरी क्लास में कुछ भी हो जाए पर मुगली का जोश कायम रहता है। ऑलवेज वेरी हैप्पी जॉली, उसको देख के खुश हो जाता मैं। पूरी क्लास थकेली भी रहे तो वो अकेला जोश में रहता। कभी भी देखो उसको मुस्कुराते रहेगा। अच्छा ए मोगले, आप बोलोगे तो मोगले आंसर भी देगा पूरा। चलो एक बार पहले पढ़ते फिर मोगले आंसर देगा। दोस्तों क्रेडिट कार्ड इश्योरेंस में सबसे पहले कहा जाएगा आप? ए पूरी कहानी वही है यार, वापस आप क्या पढ़ रहे हो उसको? वही करने वाला है वो। कहा जाएगा? ऑनलाइन जाएगा। सो वो जो राइट राइट साइड की जो आ रहा है उसको ऑनलाइन लिख दो। सेकंड डायग्राम में चल रहा है वो पहली वाली को दोबारा ऑनलाइन मत लिखो। राइट पेज के राइट राइट हिस्से में आपको एक डायग्राम दिख रही है, उसके ऊपर वाले कोप्चे में एक एरो दिख रहा है, वहां पे ऑनलाइन लिखिए। और पहले बॉक्स के नीचे जो एरो जा रहा है उसको मैन्युअल लिखिए। भैया बैंक में भी जाओगे या तो फिर आपको ऑनलाइन भी जाने का वक्त मिलेगा। बोलो दोनों में क्या देंगे? इधर केवाईसी अंडरलाइन करो, उधर ई केवाईसी अंडरलाइन करो। हो गया अंडरलाइन? अरे हुआ क्या? केवाईसी ई केवाईसी कमान। उसके बाद में कहां जा रहे हैं आप? आरएम आरएम को अंडरलाइन करो। आरएम बोलेगा ओके केवाईसी ओके। अब कहां जाएंगे? रिस्क असेसमेंट आपकी हावी। यहां पे जरूरत है क्योंकि यहां पे रिस्क असेसमेंट को चेक कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर देगा। एक तो क्रेडिट कार्ड देना है कि नहीं देना, देना है तो दे देंगे, नहीं देना तो बोलेंगे रिजेक्ट कर देंगे। बेसिस ऑन व्हाट? यूर क्रेडिबिलिटी। कहीं तो वर्ड आया हुआ देखो क्रेडिबिलिटी कुछ तो भी। हाँ क्रेडिबिलिटी के हिसाब से आपको लिमिट वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? जाएगा वो क्रेडिट कार्ड डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट के उसमें चौथे फेज में। और फिर क्या होगा फोर्थ फेज में? क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे उसको। फोर्थ वाले फेज में क्रेडिट कार्ड दे देंगे। देखो भाई ये कहानी क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस होने तक है। अगले पेज पे क्रेडिट कार्ड देने के बाद वो क्या करता है दुकान पे जाके? वो है इस पेज पे इतना ही क्रेडिट कार्ड दे दिया। उसके अगले जो पेज पे जाओ, अगले पेज पे जाओ, नेक्स्ट पेज पे लेफ्ट साइड में कोप्चे में देखो दो डायग्राम दिख रही है। दिख रहा है क्या? वहां पे क्रेडिट कार्ड से वो शॉपिंग कर रहा है। अभी तक क्या था? क्रेडिट कार्ड मिला, अब वो शॉपिंग करेगा। हाँ तो बोलो बच्चों ये ऊपर वाले पेज पे आ जाओ। दो मिनट जाओ उधर वापस जहां पे आप थे वही आ जाओ। दो डायग्राम दिख रही है बगैर देखिए आप बोल सकते हैं? देखो चैप्टर 5 को बहुत ऊपर ले जाना है।
ठीक है ना, चैप्टर थ्री खत्म हुआ था जैसे, चैप्टर फाइव वैसे और चैप्टर फोर वैसे होगा। वापस से कहना चाहूंगा, जिन्होंने चैप्टर फोर अगर पहले बार नहीं भी पढ़ा होगा कोई बात नहीं, रिविजन में इतना हो जाएगा आपको वैसे समझ जाएगा, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर उसका डेबिट क्रेडिट कार्ड हो या कासा हो, साथ में बात करते दोनों की, कहां जाएगा वो, वो जाएगा मैन्युअली भी और ऑनलाइन, ऑनलाइन जाएगा कंप्यूटर पे, वहां देगा ई केवाईसी, इधर जाएगा आरएम में, क्या जाएगा केवाईसी, फिर दोनों में आरएम के पास ही आएगा, आरएम हां बोलेगा ओके फाइन, फिर कहां जाएगा क्रेडिट कार्ड, सॉरी क्रेडिट एंड रिस्क असेसमेंट टीम के पास जाएगा, वहां पे वो चेक करेंगे उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, रिजेक्ट भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, हाँ बोला तो कहां जाएगा, अगर वो क्रेडिट कार्ड का क्वेश्चन है तो क्रेडिट कार्ड डिसबर्समेंट में जाएगा, और कासा अकाउंट है वहां जाएगा, ठीक है ना। फिर वहां पे वो क्या करेंगे, कासा अकाउंट खोला तो कासा अकाउंट का चेकबुक उसको सब दे देंगे, यू नो फैसिलिटी देने की, डेबिट कार्ड आता है एक, अकाउंट जब खोलते तो क्या आता है, डेबिट कार्ड आता है, पासबुक चेकबुक है ना, आपको हो सकता है नेट बैंकिंग की पासवर्ड मिल जाए, और उधर क्या आएगा, क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड का डिसबर्समेंट हो जाएगा, क्लियर है, सिंपल है। बस इस क्वेश्चन की चार फेजेस कौन से, पहले तीन फेज तो कॉमन ही है, कस्टमर आता आरएम के पास में आता, क्रेडिट एंड रिस्क असेसमेंट टीम के पास में आता है, उधर आता क्रेडिट कार्ड डिसबर्समेंट, इधर आता कासा अकाउंट ओपनिंग कंफर्मेशन। ओके नेक्स्ट पेज आ जाओ, चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, कम ऑन गाइस, आ जाओ ट्रेजरी पे आ जाओ, कम ऑन। एक बात मैं पूछूं, आप चैप्टर फाइव घर पे पढ़ के आए क्या, किसी ने पढ़ा कल जाके घर पे चैप्टर फाइव, दो तीन दिन में ईएस कोई पढ़ता नहीं, एक जिंदल है जो अकेला घर पे जाके पढ़ता है, जिंदल दिल से प्राउड ऑफ यू, कितना सिंसियर बच्चा, क्या पढ़ा बेटा कल, पढ़ ली बेटा आपने, वेरी गुड जिंदल, कैसे लाते हो इतनी सिंसियरिटी, वेरी गुड यार, आई फील सो हैप्पी फॉर यू। बाकी लोग ने कोई पढ़ा नहीं, पढ़ने की जरूरत थी नहीं, आपको मालूम वैसे भी कल यही होने वाला है, वो आदमी आएगा ठीक है अपना, हम बोले नहीं बोले कुछ बजाने ही वाला है, उसको तो कुछ काम है नहीं, वो आएगा दो दिन चैप्टर फाइव के रिवीजन कराएगा, खाम क्या क्यों डबल डबल वही करने का, वेरी गुड, सोच अच्छी है आपकी। दोस्तों तीन बच्चे यहाँ पे ट्रेजरी के, आप सभी जानते हो ट्रेजरी क्या होता है, ट्रेजरी यानी बैंक में क्या होता है ना, आपको मालूम है बैंक में क्या होता है, हाँ दोस्तों बैंक में जब हमारे जैसे लोग पैसे जमा करते हैं तो बैंक को बदले में हमें क्या देना पड़ता है, तो दोस्तों बैंक इस पैसों का कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो बैंक तो घाटे में जाएगी, भले ही बैंक हमें 8% का इंटरेस्ट दे रही हो, तो बैंक शुड बी एबल टू अर्न 10% 15%, क्या होगा बैंक अगर इस पैसों का कुछ नहीं करेगी, तो बैंक विल हैव टू सफर व्हाट ह्यूज लॉसेस, तो बैंक ने हमसे जो पैसा लिया हुआ है वो कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, मे बी गोल्ड में, स्टॉक में, यू नो कहीं तो लगाए, कहीं तो लगा रियल एस्टेट में, किसी के म्यूचुअल फंड में, पर वहां से पैसे कमाना जरूरी है, इसलिए दोस्तों वहां पे ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, काम क्या होता है, पैसे लगाओ, पैसे लगाओ, ट्रेजरी मैनेजमेंट नाम में लिखा, देखो ट्रेजरी प्रोसेस क्या लिख रहा है, यहां पे होता है कोर एरियाज ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशंस, डीलिंग रूम, मिडल ऑफिस एंड बैक ऑफिस, तीन बताए, फ्रंट ऑफिस, मिडल ऑफिस एंड व्हाट बैक ऑफिस, क्या काम करते थी, इसकी हमने डायग्राम भी ड्रॉ करी थी, बताओ कौन कौन होता है जो प्रोसेस, कौन है जो प्रपोजल ढूंढते हैं, फ्रंट ऑफिस वाले प्रपोजल ढूंढते हैं कि कौन से प्रपोजल बाजार में चल रहे हैं, तो आप लिखते कैप्चर, यहाँ पे लिखो एक वर्ड, उसका कैप्चर, अंडरलाइन द वर्ड, फ्रंट ऑफिस में आप लिख सकते हो कहीं पे कैप्चर है तो दिख रहा ही नहीं मेरे को, लिखा ना ट्रेड डील्स कैप्चर, अंडरलाइन द वर्ड ट्रेड डील कैप्चर आपको दिख रहा होगा, और वहां पे प्री डील एनालिटिक्स भी दिख रहा होगा, है ना। ये सब क्या है कि आपको प्रपोजल लाते हैं, ये लोग लाते हैं प्रपोजल, ये लोग लाते हैं प्रपोजल, लाते हैं और जो एकदम ऊपर ऊपर से चेक करना हो चेक कर लेते, जो अच्छा नहीं उसको रिजेक्ट करते हैं, पर इतना डिटेल में उनको अकल नहीं कि वो पूरा डिटेल में चेक करे, है ना। देखो यहां पे देखो प्री डील एनालिटिक्स चल रहा है, मतलब वही मिडल में भी, वो मिडल में ले जाकर वही चीजों को देंगे जो उनको ढंग की लगती है, ठीक है ना। प्री डील यानी कि मान लो कोई बाइक लेने गया, तो बाजार में तो 500 बाइक है, पर बाबा को 50 बाइक नहीं दिखाओगे आप, 30-40 बाइक तो आप भी रिजेक्ट कर दोगे, दो पांच आपको जो पसंद है उसमें से पापा एक पसंद कर, तो पापा हो जाएगा मिडल पे, कि जो पांच में से आपने 50 देखे 45 तो वैसे ही अपने हटा दे, बिकॉज आपको पसंद नहीं थी, ऐसे लोग ऐसा मतलब
वैसा सोचने का तरीका। तो प्री डील में भी वो लोग रिजेक्ट करते हैं, उनको प्राइम ऑफिसर लगता है ये अपने को काम किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो उनको रियल इस्टेट में पैसे लगाना ही नहीं, तो हो सकता है बहुत सारी रियल इस्टेट की उनको प्रपोजल आई होगी, तो बोलेंगे तो हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, तो वहां से वो हट जाएगी। पर जो उनको आई है स्टॉक की, म्यूचुअल फंड्स की, या और भी कुछ बिटकॉइन की, जितने भी डील्स आई हुई है, कहां जाएगी ये? मिडल में। और मिडल वाले करेंगे अंडरलाइन, वो रिस्क एनालिसिस, देखो अवेलेबल रिस्क मैनेजमेंट। तो बच्चों प्रपोजल लाता कौन है? प्रपोजल लाता है फ्रंट एंड, देता किसको है? मिडल को। क्या करेगा? रिस्क असेसमेंट करेगा, वहां पर रिस्क होगा चेक, यहां पर इवैल्यूएशन भी होगा, अंडरलाइन द वर्ड वैल्यूएशन, यानी कि जो सामने वाले बंदे ने बोला होगा इसकी प्राइस 50 करोड़ 30 करोड़, वो चेक कर, रुक भाई मुझे चेक करने दे कि तू जितना पैसा मांग रहा है, क्योंकि मुझे डिसाइड करना है कि तुझे हाँ बोलना है। बिकॉज बैक ऑफिस तो मैं हाँ बोलता हूं, तो बैक ऑफिस से कंफर्मेशन देता है, पैसा बैक ऑफिस के पास में, पर प्रपोजल तो मैं एनालाइज करता हूं, मुझे समझता है रिस्क है क्या। मैं करता हूं कैपिटल बजटिंग, कौन सा? मिडल वाला। बैक वाला के पास में कैपिटल बजटिंग एफएम कुछ नहीं, वो सिर्फ मिडल वाले ने हाँ बोला बोलेंगे ठीक है ओके फाइन ले पैसे चल। जैसे थर्ड वाले में अंडरलाइन करो अप्रूवल है ना, फंड डिसबर्समेंट दिख रहा है, फंड वगैरह देखा हो, फंड्स कुछ लिखा ना, फंड्स के फंड्स, अकाउंटिंग कंफर्मेशन। ये अकाउंटिंग क्यों करता रहे हो? पैसे देगा तो अकाउंटिंग भी वही करेगा। फंड कहां पे? थर्ड में के सेकंड में? अप्रूवल को देगा, थर्ड है सेकंड अप्रूवल, कंफर्मेशन अप्रूवल वही देगा ना। ये तो सिर्फ क्या करेगा, सेकंड वाला उसके सामने प्रपोजल रखेगा, भैया मैंने 10 प्रपोजल रखे, 5 रखे, आप देख लो मेरे हिसाब से ये पोजीशनिंग है, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, देखो पोजीशनिंग भी लिखा है सेकंड पे। वो सिर्फ बैक ऑफिस वाले को बताएंगे ये 5 अच्छे लगे और 5 का रैंकिंग ये, नंबर 1 पे मुझे ये अच्छा लगता है, नंबर 2 पे अच्छा लगता है, नंबर 3 पे अच्छा लगता है, फिर बाद में बैक ऑफिस डिसाइड करता है ओके फाइन हमको ये नंबर 3 में प्रपोजल में पैसे लगाना है, 4 में अप्रूवल देगा और पैसे देगा, कौन? थर्ड वाला, इसका नाम क्या? बैक ऑफिस, ठीक है ना। बोले अच्छा मैं सवाल पूछता हूं जवाब देना, कौन डील कैप्चर करेगा? प्री डील एनालिसिस कौन करेगा? कौन अप्रूवल देगा, कंफर्मेशन देगा, अकाउंटिंग करेगा, फंड्स देगा? कौन रिस्क असेस करेगा, वैल्यूएशन करेगा डील्स की? उसका नंबर 1 नंबर 2 वैल्यूएशन पोजिशनिंग लगाएगा उसकी। अप्रूवल कौन देगा? कंफर्मेशन कौन देगा? अकाउंटिंग कौन करेगा? पैसा किसके पास? खत्म हो गया क्वेश्चन इज ओवर ओके। अब देखो यहां पे आओ मिडिल में, देखो इसका नाम है, क्या नाम है इसका, क्या पढ़ रहा हूं मैं, लोन इसके है ना, लोन, लोन फॉर क्या लिखा है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, ये दिखा क्या? 3 टाइप के लोन है, दिख रहा 3 टाइप के लोन है? बोलो को सबसे पहले लोन कौन सा है? मॉर्गेज, होम लोन, होम लोन है, टॉप अप लोन है, होम लोन है ना, कि होम लोन, आप यू आर बाइंग होम, आपने घर देखा है, बंगलो देखा पूना में, आपने बंगलो लेना है, बंगलो के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप जाएंगे बैंक में, आपको मिलेगा लोन। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? आप घर बनाने लगे, आपको लगा फर्नीचर के साथ में उसका 1.5 करोड़ लगेगा, बाद में फर्नीचर वाले बहुत ज्यादा पैसे मांगने लगे आपको, बहुत ज्यादा, आपको 20 लाख और चाहिए, दिस टाइम 20 लाख यू हैव टू टेक टॉप अप, है ना, नाम लिखा टॉप अप, लिखा टॉप अप, यानी कि वो जो आपने पहले लिया है उससे लिखो, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग लोन, कहां पे लिखेंगे आप? टॉप अप पे लिखो, इन एडिशन टू, ये जो आप लिखते हो वो पढ़ते हो के बाद में? Yes, काम में आ रही की चिट्ठी आपके? Yes, बहुत सारी, वेरी गुड। इन एडिशन टू व्हाट? एग्जिस्टिंग लोन, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग लोन, कहां पे लिख रहे हैं आप ऐसा? वेरी गुड। आप बताइए लोन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी क्या ही है? ये होता है जब बिल्डर के, जब आपने एकदम नया नया उसने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया, आपने तभी फ्लैट बुक कर दिया, क्या होगा जैसे बिल्डिंग की इमारत ऊपर ऊपर जाएगी, हाँ, तो आपका पार्ट पेमेंट वो उसे बैंक से रिलीज होगा, पर बैंक वाला आपको पैसे कहां देगा? आपको नहीं देगा, वो बिल्डर के अकाउंट में देगा। तो जैसी जैसी बिल्डिंग ऊपर जाएगी वैसे वैसे लोन आपका डिसबर्स होगा, उसको बोलते हैं लोन अंडर, लिखो लोन अमाउंट विल बी डिसबर्स्ड, लोन अमाउंट विल बी डिसबर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में फ्लैट भी लिख सकते हैं, जनरली फ्लैट में होता है, ओके?
तो तीन टाइप के लोन बताएंगे. अच्छा क्या नाम, क्या क्वेश्चन का? टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लोन, याद रखना, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लोन. तीन टाइप के मॉर्गेज लोन कौन से है? होम लोन, टॉप अप लोन, लोन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी. होम लोन, टॉप अप लोन, होम लोन, टॉप अप लोन. डन, ओके. नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे जाओ. इसी के दो बच्चे दिखे होंगे आपको, दिख रहा है? रुको रुको रुको, ये क्या चल रहा? दो बच्चे किस बात के हैं? क्या है ये? मैं समझ नहीं पा रहा हूं. ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या चल रहा है? अरे सर ये कुछ नहीं किया है आपने, भी क्या कर दिया सर, ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दे के रखा है. बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये करने की जरूरत ही नहीं है. कौन सा? क्योंकि हमारे पास ये है और ये दर्द. बताओ क्या दो बच्चे इसके कौन से? एक फंड बेस्ड, एक अंडरलाइन द वर्ड फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड. फंड बेस्ड, कम ऑन गाइस, गुड मॉर्निंग. फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, दिख रहा है क्या? तो फंड बेस्ड में आ जाओ. क्या क्या लिखेंगे वहां पर? सीसीए. आप जो लिख रहे हैं आपको पढ़ते आएगा ना बाद में? उम्मीद है आप हाईलाइट, कौन सा मार्कर पेन यूज कर रहे होंगे? तो बॉल पेन यूज कर, तो बहुत ज्यादा बहुत आगे जाएगा. तो तुझे पता है बॉल पेन से क्या होता है? और दो चार महीने में स्प्रेड होएगा, दो चार महीने का एग्जाम के पहले स्प्रेड हो जाएगा. ये जो पेज है ना, इसको कौन सा पेज बोलते हैं? ग्लॉसी पेज बोलते हैं. ये मैट फिनिशिंग नहीं है, ये ग्लॉसी. वो तुरंत फेंकता है उसको, कलर बाहर छोड़ देता है, वो ऐसे स्प्रेड कर देगा. और फिर क्या होगा? सिर्फ तुम्हें कलर दिखेंगे बाद में, वो क्या लिखा है वो कुछ समझेगा नहीं. और उसका ड्रॉबैक क्या मालूम है? जो नीचे मेरे बुक का कंटेंट वो भी चला जाएगा. हाँ सही पकड़े हैं घर में. अच्छा हुआ एसी के नीचे इतना बोलता है. ओके फंड बेस में क्या क्या बताओ? सीसीए, ओडीए, लोन्स, जो भी बैंक से आपको मिलता है, लोन भी मिलता है वो भी पैसा है. फिर ऐसा क्या है जो बैंक देती पर पैसा नहीं? एलजी, लेटर ऑफ गारंटी, एलजी, एलसी, नीरव मोदी. एलसी के पास देखो, नीरव मोदी, नीरव मोदी को एलसी तो दिया था, वही तो कांड किया था उसने. ये दोनों डायग्राम को साथ में पढ़ना है ना? आप खुद पहले उसको अपनी आंखों से देख के बताओ कि हो क्या रहा है इसमें. नहीं आप पहले खुद ना सीखो, एक मिनट तक अपने आप को चिंतन करिए, देखिए दोनों को मैच करिए, कंपैरिजन करिए. लेफ्ट साइड का पूरा कॉलम सेम टू सेम दिख रहा होगा. ऊपर के चार गोले जो बॉम गोले दिख रहे हैं आपको, वो पता नहीं ऐसे ऐसे डायग्राम वाहियात क्यों बनाया इसका. देखो कैसा बना, कलाकृति दिखाया इसे ने. इधर चार बम गिरा है, उधर चार बम गिरा है. अरे कैसे लिखते, किधर से डेबिट घुस रहा है, किधर क्रेडिट जा रहा है. अरे डायग्राम चाहे तो अच्छी बना सकते थे वो, पर जो डिजाइनर है ना उसको मिलना पड़ेगा, भैया ऐसे भयानक क्यों बनाया तुमने. पर एनीवेज अब ऐसे ही करना है. लेफ्ट साइड का पूरा कॉलम दोनों इसमें सेम टू सेम है. इधर फंड लेना है, इधर नॉन फंड लेना है. दोनों में कहां जाएंगे सबसे पहले बताइए? आरएम क्या मांगेगा? हमेशा का रोना है उसका. वो आरएम के पास जाएगा, वो केवाईसी मांग, बस और कुछ नहीं आता उनको. फिर वो बोलेगा मुझे कुछ इसकी औकात समझते नहीं, तो क्रेडिट टीम के पास जाएगा. देखो वो दिखेगा नीचे, फिर वो हाँ बोलेगा ना बोलेगा, यही चला रहा है उनका. कोई भी डायग्राम हो कहा जाएगा, अरे क्या जाएगा, वो क्या मांगेगा? केवाईसी मांगेगा. फिर वो बोलेगा रुक जा मुझे पता नहीं. फिर क्रेडिट टीम के पास, क्रेडिट टीम बोलेगा अच्छा मैं डिसाइड करता हूँ इसको हाँ करना है ना करना है. उसके बाद क्या होगा? एक तो हाँ करेगा या ना करेगा, फिर क्या होगा? हाँ बोला तो क्या? हाँ बोलो तो पीडीसी, पीडीसी को अंडरलाइन करो, उसका लॉन्ग फॉर्म लिखो वहां पे, पोस्ट डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, सॉरी प्री डिसबर्समेंट, आई एम वेरी सॉरी, प्री डिसबर्समेंट. अच्छा है मजे लेते हो आप, मेरा भी वक्त आएगा. प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट हुआ क्या? यानी होता क्या है? एश्योरिटी के मैं हम आपको इतना पैसा देंगे. कौन देता है? पीडीसी. किसको देती है? सोच के बताओ. पीडीसी किसको मिलता होगा?
प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, यानी कि क्या ये क्रेडिट टीम इशू करती है डिसबर्समेंट टीम को कि हम आपको ये अलाउ कर रहे हैं कि इसको आप दे दो इतना। तो पीडीसी इशूड बाय द क्रेडिट टीम टू द व्हाट डिसबर्स। देखो उसके नीचे कौन सा टीम है और डिसबर्स टीम क्या बनाएगा, मानो कि मास्टर बनाएगा। देखो देखो राइट साइड में देखो मास्टर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है मास्टर में, ये मास्टर मास्टर क्या है रे, चैप्टर नंबर टू लिखो, रेफर चैप्टर टू, क्या क्या मास्टर बनाते रहे लोग। अरे कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना मिलता है आपको, मिल गया लोन, पूरा अकाउंट क्रिएट करेंगे उसमें नेम एड्रेस ईमेल आईडी आपका आधार पैन सब डाल के उसमें वो भी लिखेंगे आपका लिमिट कितना है, आपका लोन का लिमिट कितना है, आपका अकाउंट कब खुल रहा है, हर कोई चीज की जानकारी मास्टर में क्रिएट करेगा। मास्टर होता है जो कभी चेंज लिटरली परमानेंट होता है, फिर उसके बाद एक बार मास्टर क्रिएट हुआ बाद में उसको हर बार क्या देंगे, जब जब देंगे जब जब देंगे तो उसको वापस उसका ट्रांजैक्शन उसे क्रिएट होता है, तो पहले क्या होगा, हाँ समझे, गॉट इट, बताओ याद रखना है ये वाला डायग्राम किसके लिए, नहीं क्वेश्चन क्या है पर ये फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन को याद करो, आंसर आसान है, क्रेडिट फैसिलिटी है, बैंक आपको उधारी एक तो पैसों के माध्यम से देगा और कभी पैसों के माध्यम से नहीं देगा, अक्सर आम आदमी के लिए लेफ्ट वाला ही एप्लीकेबल है क्योंकि किसी को बहुत 99% के लोगों को एलसीएमजी तो समझता ही नहीं है, अगर बहुत जो अपने कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं उनको तो शायद से पता भी नहीं होगा कि बैंक ऐसा भी कुछ करती है, एलसी कुछ देती है, क्योंकि लोगों को लगता है बैंक क्या देगी, पैसा ही देगी। तो क्रेडिट फैसिलिटी फंड बेस्ड, क्रेडिट फैसिलिटी नॉन फंड बेस्ड, समझा, तो क्रेडिट फैसिलिटी याद रखना, दोनों ही क्वेश्चन के पापा का नाम क्रेडिट फैसिलिटी है, एक फंड बेस्ड एक नॉन फंड बेस्ड, बराबर है। अब बताओ मास्टर तो आपने क्रिएट किया, मास्टर में क्या हुआ बताओ, आपने लोन दिया तो तीन अकाउंट एक्टिवेट हो जाएंगे, एक तो आपने जब ने लोन दिया, एक तो लोन वापस मिला, लिखो अंडरलाइन करो, एक तो लोन आपने दिया तो क्या बोलते उसको बुकिंग ऑफ लोन, फिर लोन वापस मिला तो मैच्योरिटी, और बाद में हर बार आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, चालू क्लास में करा देना, क्लास रोको मत, एसी का काम भी मत रोको, क्लास भी चलने दो एसी का काम भी चलने दो, ठीक है ओके। तीन बातें दिख रही हो आपको, लोन आपने दिया, लोन दिया, लोन वापस आया और आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, बगैर देखे बताएंगे जितने लोग अकाउंट्स आती है, लोन देंगे तो पैसे किसको क्रेडिट होंगे, तो कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उल्टा बताओ जब पैसे वापस आएंगे तो पहले आपने कस्टमर को क्रेडिट किया था, आप कस्टमर अकाउंट डेबिट होएगा और लोन अकाउंट क्रेडिट हो, जरा देख लो डेबिट क्रेडिट बराबर किया है कि आईसीए ने, ये आप चेक करो कि आईसीए बराबर कर रहे हैं कि नहीं, सही किया आईसीए ने, वेरी गुड। कोई अकाउंट्स के दर्द वाले लोग बैठे हैं, ये डेबिट क्रेडिट में कुछ प्रॉब्लम है, सब क्लियर सॉर्टेड है, इंटरेस्ट बगैर देखिए इधर देखो मेरे आंखों में इंटरेस्ट का एंट्री बताओ, किसको डेबिट मारेंगे, इंटरेस्ट तो कस्टमर के लिए डेबिट होगा तो कस्टमर अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट, देखो वो भी एंट्री बराबर की कैसे है ने? कौन, हाँ हाँ, इसमें एक जो हम यूज नहीं कर रहे उसका नाम कौन सा है, वो इंटरेस्ट एक्रूअल छोड़ दो, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट एक्रूअल आप हटा भी सकते हैं, बस अनयूज्ड है वो करना है तो एंट्री कर भी सकते हैं तो नहीं भी कर सकते। उसके बाद में कोई बताया कि मुझे हो क्या रहा, बस कुछ नहीं है, सारे लेजर बन गए। अच्छा एक बताओ, ये एक बंदे की एंट्री हो गया है, जितने भी लोग लेंगे तो सबकी एंट्री डेबिट क्रेडिट यानी कि बहुत सारा बनता रहेगा, तो साल के एंड में क्या होगा, पूरा लेजर बन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा, एयर एंड में जितने भी साल में लोगों ने जितना लोन लिया होगा उसके लेजर में एड होंगे, इंटरेस्ट एड होगा, इंटरेस्ट एड होगा, इंटरेस्ट एड, फिर इंटरेस्ट कहां जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा, फिर लोन एड होगा वो कहां जाएगा, फाइनेंस, देखो क्या बन रहा है, देखो ये सब लेजर का आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा, यानी कि एसेट साइड में क्या दिखेगा, इंटरेस्ट दिखेगा, वाओ, एसेट साइड में लोन दिखेगा, मैं बैंक की बुक बोल रहा हूं, एसेट साइड में दिखेगा श्योर है, और इंटरेस्ट का दिखेगा वो भी एसेट में, पी एंड एल के क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में, वो डेबिट बोल रहा है, बोला है इसने, मैंने देखा
इंटरेस्ट क्रेडिट में आएगा ना, इनकम है बैंक की वो। अरे वो अपना दुकानदारों का इंटरेस्ट नहीं है, हम तो डेबिट की हमारे लिए खर्चा, बैंक के बुक्स में तो क्रेडिट आएगा ना, बैंक के लिए तो इनकम है वो। तो इसलिए बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब वो बैलेंस शीट पी एंड एल बनाएगा तो ये जो अकाउंट है वहां पे दिखेंगे आपको, लोन एसेट साइड में दिखेगा, इंटरेस्ट आपको क्रेडिट साइड में दिखेगा ऐसा। अब इसके बाजू में चेपक के और एक डायग्राम है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बगैर देखे बोल सकते हैं। देखना नहीं, इधर देखो, हाँ बोलो क्या होगा, कहाँ जाएंगे? ये अगर स्टेप नहीं आया ना तो देखना कहाँ जाएंगे। आ रहे हैं बोलेगा क्या लाओ, मुझे कुछ समझता, कहाँ जाओ, पेटीएम क्या करेगी, हाँ बोलेगी ना बोले, हाँ बोला तो पीडीसी। बस ये तो पूरा एकदम लेट के लिख देना, वहां पे जाके घर से लेके चल जाओ, आप एक काम करो 10-20 चिट्ठे बना के रख दो, पकड़ेगा तो एसपी सिंधिया, मेरा नाम भी मत लेना, मेरा कुछ मतलब ही नहीं है। मालूम है एक मेरे उसने कैसे ये किया था, एक बार मैं क्लास में था, एग्जामिनेशन मेरे को बता, यहाँ पे पढ़ रहा था लाइब्रेरी में, मेरे को मिलके क्या बोले, सर पेपर को जा रहा हूँ मैं, तो जैसे थोड़ा पहचान का बन जा रहा, और 2 बजे पेपर चालू होता है, तो लगभग 3-3:15 बजे मुझे कॉल कर रहे हैं। बोलो ये कैसे कॉल कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं, हुआ क्या, पेपर चल रहा था। बोले यार कुछ तो बेचारे को कुछ तो नहीं कि हॉल टिकट नहीं मिला, ये इसको उठा दिया। सर क्या बोल रहा, मतलब क्या बोल रहा है भाई, मतलब ये उसको क्या था ना, कंफ्यूजन हो रहा था, बोले इसकी ये टेक्निक है कि वो टेक्निक है, ठीक है। मैंने बोल दिया ये, सर बाद में बात करता हूँ, ठीक है। वो 6 मार्क के लिए क्वेश्चन था, उसको कंफ्यूजन था, तो फिर बाद में आया, मतलब तू क्या कर क्या रहा था। बोले सर मैंने बहुत सॉलिड प्लान किया था, मोबाइल उसने टॉयलेट में रखा था, पता नहीं कौन से कोपचे में कहाँ उसको दिखा। बोले फिर सर बाद में मैं टॉयलेट के बहाने से गया, फिर आपको कॉल किया, फ़ोन वहाँ पे रख दिया, फिर मैं वापस आके बैठ गया, टॉयलेट ना अलाउड है, मतलब बेस्ट है भाई, अलाउड है तो मतलब ठीक है। फिर एक हमारे मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसने क्या, वो क्या प्लान है, उसको बहुत एक डिफिकल्ट ज़्यादा था, तो वो क्या करते थे, वो उसके एग्जामिनेशन सेंटर में मेरा और एक दोस्त था जो एक ही क्लासरूम में हुआ करते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि पेपर होने के बाद 2 घंटे बाद हम लोग दोनों टॉयलेट में मिलेंगे, वो टाइम पर मिलेंगे, घड़ी दोनों की सेट से प्लानिंग देखो, 4 बजे हम लोग, और 1 मिनट में जितना जो तुझे डाउट है और जो मुझे डाउट है क्रॉस टैली कर लेंगे, ये इसका वो है क्या, हाँ वो है इसका वो है क्या, तुझे 2-3 पूछ लेना, मेरे 2-3 में पूछ लूँगा, और बहुत कुछ नहीं समझ में आया तो वहाँ पे उन्होंने कुछ और सहारे के साथ में कुछ रखा होगा, बहुत पुरानी बात है, तो ये बहुत बहुत चैलेंजिंग जॉब है, पर ये आई नेवर रिकमेंड ऑल दिस, बट कम से कम ये ऐसा प्लानिंग किया है लोगों ने। मेरे को कॉल भी मत करना वहां से, नहीं तो मेरे को उठाना, मेरे को बात भी मत करना वहां से, मैं फोन ही नहीं उठाऊंगा आपका। आप 4 बजे मिल लेना किसी को, क्या 4 बजे जूम मीटिंग पे आओ। ये बेस्ट है, पूछो फटाफट किसको पूछना है। एनीवेज गाइस चलो, तो यहाँ पे यहां तक तो अपना हो ही गया, आप अपन क्या फंड बेस कर रहे हैं कि नॉन फंड बेस कर रहे हैं? ये है फंड बेस्ड पहले वाला, अब नॉन फंड बेस्ड में आपको क्या चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको एलसी चाहिए, तो आपका भी मास्टर क्रिएट करेंगे। तो नीरव मोदी का मास्टर क्रिएट किया, देखो मास्टर हो गया क्रिएट, देखो यहां पर मास्टर क्रिएट है, सेम है डायग्राम, देखो तो मास्टर क्रिएट करेंगे। अब देखते कितने लोगों को जर्नल एंट्री याद है, आप देखो एलसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं कमीशन चार्ज होता है, तो वापस से एंट्री तो बहुत सेम है, कस्टमर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। अब दूसरी बात जो है ना, उसको दिया वो क्या बोलते हैं,
अब एलसी देना, एलसी देते समय बैंक अपना लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, क्योंकि अगर नीरव मोदी ने नहीं दिया तो बैंक को देना पड़ेगा, तो बैंक ने अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर ली, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। देखो क्रेडिट हो रही होगी और कॉन्टिंजेंट असेट डेबिट हो रहा होगा। अब एक चीज क्रेडिट होंगे तो एक चीज डेबिट ही होंगी, तो आपने अगर आपको समझ नहीं आया तो इतना जरूरत, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रेडिट होंगी तो असेट ही डेबिट होने वाला है। ये कब की बात है? जब हम लोग उनको एलसी देते हैं। फिर अब मान लीजिए नीरव मोदी ने पैसे दे दिया तो बैंक की लायबिलिटी खत्म हो गई, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो क्रेडिट हुई थी वो डेबिट हो जाएगी, और लायबिलिटी डेबिट हुई है तो असेट। तो आप एक काम करो, सिर्फ लायबिलिटी पे फोकस करो, लायबिलिटी का उल्टा असेट होगा, क्योंकि आप ज्यादा दिमाग लगा रहे तो आपको समझ रहा नहीं असेट का क्यों डेबिट आया। उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था, पर आप समझो कि आपको असेट समझता ही नहीं। नहीं नहीं, बोल रहा हूं मैं एक एग्जांपल, क्यों इतना बुद्धिमान है, जब पता है क्या होने लगा। लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है तो असेट कॉन्टिंजेंट असेट डेबिट होगा। और अगर मान लो उसने वापस दे दिया, क्या वापस दिया, नीरव मोदी ने रिपेमेंट कर दिया, तो अपना कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैंक के अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट होगा, और कॉन्टिंजेंट असेट जो है, देख लीजिए सारे एंट्रीज बराबर की है, आईसीआई ने ओके। और उसके बाद क्या होगा, सब लेजर बन जाएंगे और बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। Hey guys, over. Yes, everybody. Yes, hey guys, come on, welcome back. Is it over? Yes, क्या इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका क्वेश्चन क्या है? आंसर इजी नहीं, आंसर बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है? क्रेडिट फैसिलिटी फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। आंसर आपको लग रहा है कितना इजी है, ये कुछ नहीं है। हाँ, वहां पे जाके नीचे लिखो, एवरीथिंग इज सेम इन अबाउट टू डायग्राम, एवरीथिंग इज व्हाट, क्या है फिर अलग क्या है इसमें? एवरीथिंग सेम एक्सेप्ट एक्सेप्ट इधर के तीन, सुनो एक बार, फंड बेस्ड में तीन अकाउंट एक्टिव होंगे, एक इंटरेस्ट, एक लोन दिया और एक लोन आया, तो उसमें कौन से अकाउंट डेबिट क्रेडिट होंगे? लोन, कस्टमर इंटरेस्ट, है ना, एक्सेप्ट व्हाट, लोन, कस्टमर इंटरेस्ट, वेर एज, कहां पे, इन नॉन फंड बेस्ड इट इज, क्या है वहां के तीन बताओ, वहां इंटरेस्ट नहीं होगा, वहां पे कॉन्टिंजेंट असेट आएगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होगा, ये डेबिट क्रेडिट होता है, फिर कमीशन भी आता है और फिर कस्टमर भी आता है ना। इधर क्या आता है, कॉन्टिंजेंट असेट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कस्टमर एंड कमीशन, होगा हो गया, ठीक है, चलो 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 आ जाओ भाई, अभी तो क्लास चालू हुई, हो गया एक घंटा, आप बहुत फास्ट चल रहे हो, इधर आ जाओ, इन दोनों डायग्राम में फर्क बताओ, एक आप दुकान पे खड़े रहकर स्वाइप कर रहे हो और उसके नीचे वाला जो स्वाइप करने के बाद क्या होगा, यहां पे आ जाओ इस डायग्राम पे, लेफ्ट में, लेफ्ट में कोपचे में दो डायग्राम आपको दिख रही होगी, एक में ऑथराइजेशन हो रहा होगा और एक में पेमेंट सेटल हो रहा होगा। आप दुकान पे खड़े हो तो आपने सबसे पहले ऊपर वाली डायग्राम करी, आपको रिसीट भी मिल गई, आप दुकान से घर पे जाके सो भी गए, तभी भी दुकानदार को पैसे है, दुकान वाले को पैसे नीचे मिलेंगे, उसको क्लियरिंग सेटलमेंट बोलते हैं। यहां पे आप कार्ड स्वाइप करते हो, ये स्वाइप होने तक वो मशीन से रिसीट निकलने तक की बात है,
यहां पे एक बार रिसीट मिले, कस्टमर घर पे गया, सो गया, अभी तक दुकानदार को अपने पैसे मिलना, वो मिलेंगे ना दो दिन में टी प्लस, वो इसलिए बोलते क्लियरिंग करेंगे, सेटल करेंगे, ओके सेटल करेंगे, यानी कि एक अकाउंट से लेकर दूसरे अकाउंट में देंगे। चलो आ जाओ, कौन है, कौन बोल रहा है, हाय बोलो क्या हुआ है, सबसे पहले कहां से शुरुआत होती, लिखो वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट, कस्टमर के बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट वाली डायग्राम में नीचे एक चिंटू चिंटी दिख रहे होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे गए वो, अरे कहां गए वो, तो क्या अंडरलाइन करो, क्या मर्चेंट्स बैंक, कौन बोला है, ओ वाह विकास, उस दिन का किस्सा आज भी याद है मुझे, मर्चेंट्स पे आपने दुकान पे कार्ड को स्वाइप किया, किया स्वाइप, स्वाइप करने के बाद अभी तक जैसे कोई आप किसी शॉप में गए, हम लोग सब लाइफस्टाइल में गए, हमने कार्ड स्वाइप किया, उसके बाद क्या हो, नहीं नहीं अभी तो वो टाइम लगाएगा, वो बोलेगा कार्ड स्वाइप कर दो, फिर अभी हमारा कार्ड जो है एचडीएफसी का, उनकी मशीन है आईसीआईसीआई की, अब क्या होगा, उसको तो पैसे मिले नहीं, वो बोलेंगे रुको चेक करने दो कि तुम्हारा बैंक मुझे पैसे देगा, बिकॉज तुम्हारे एचडीएफसी को मुझे पूछना पड़ेगा, तो हमारा आईसीआईसीआई बैंक यानी हमारे मर्चेंट्स का बैंक, हम सब कस्टमर है, हम एचडीएफसी लाइफस्टाइल नाम की शॉप है, उनके इसमें आईसीआईसीआई का मशीन है, तो आईसीआईसीआई उनका मर्चेंट है, तो एक कार्ड स्वाइप किया मर्चेंट के मशीन पे, मर्चेंट के बैंक के मशीन पे, देखो लिखा है मर्चेंट्स की बैंक की मशीन, वो पूछेंगी वीजा को, उधर जाके लिखो वीजा, इधर मर्चेंट्स की बैंक लिखो आईसीआईसीआई, मर्चेंट की बैंक आईसीआईसीआई, अरे इधर लेफ्ट में मर्चेंट्स बैंक, और क्रेडिट कार्ड नेटवर्क क्या वीजा, फिर वीजा क्या बोलेगी रुको मैं चेक करती हूं एचडीएफसी में जाके पूछती हूं, क्या पूछती हूं कि तेरा कस्टमर आया है, तेरा कस्टमर आया है, कैसा बोले यार, तेरा कस्टमर आया है मेरे पास, मैं बोला ना इस क्लास में, और इसका नाम जो गर्मी रखा बहुत सही करा, सब लोग शांत बैठे थे, मैंने से बोला कि तेरा कस्टमर आया है, क्या समझा आपको, नहीं मैं देख रहा हूं तुम्हारे दोस्त के पास ही, बहुत आगे जा रहे हैं अब बस सब लोग, ठीक है वीजा, वीजा जो है वीजा के पास गया, वीजा बोले एचडीएफसी को, उधर लिखो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक, वहां पे लिखना एचडीएफसी, एचडीएफसी, एचडीएफसी को क्या पूछेंगे कि तेरा कस्टमर, इसको उधारी भी दे दें, ठीक है लेट मी चेक द बैंक बैलेंस, एचडीएफसी चेक करेंगे बैलेंस, बोलेगी कोई बात नहीं दे दो इसको उधारी पे, रिस्पांस आएगा देखो उधर से, रिस्पांस पॉजिटिव आया, फिर क्या होगा, वीजा ने कंफर्मेशन दिया आईसीआईसीआई बैंक को, फिर क्या होगा, आईसीआईसीआई बोलेगा ठीक है मैं लाइफस्टाइल के अकाउंट में ये पैसों को क्रेडिट कर देते हूं, तो आप क्या हुआ लाइफस्टाइल को पैसे मिल गए, देखो कंफर्मेशन किसने दिया, एचडीएफसी ने, एचडीएफसी ने बोला वीजा को, वीजा ने बोला आईसीआईसीआई बैंक को, फिर आईसीआईसीआई बैंक ने बोला लाइफस्टाइल ये तेरे पैसे रख, तो नेमाल भेज दिया था, तो कंफर्मेशन दिया पैसे रख नहीं, अभी तो ये तो कंफर्मेशन दिया था कि वो मशीन में से रिसीट बाहर निकले, पैसे वैसे तो बात की बात है, पैसे तो अगले इसमें आएंगे, अगर पैसे यही मिल गया ना तो अगला डायग्राम किस काम का,
क्योंकि यहाँ तो सेटलमेंट होना बाकी ना, ये तो सिर्फ वो कस्टमर को दुकान से बाहर निकालना, इसलिए तुरंत कंफर्मेशन दे दिया ताकि कस्टमर को वेट ना कर पाए। ये मत सोचो कि तुरंत ही पैसे मिल जाएंगे ICICI बैंक, वहां से क्या आ रहा है देखो, क्या आ रहा है देखो ना, रिस्पॉन्स आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स किसने दिया? HDFC ने दिया। किसने किसको दिया? वीजा को दिया। फिर वीजा ने किसको कन्फर्मेशन दिया? ICICI। समझ आ रहा है? ये डायग्राम समझ गई? क्या था ये ऑथोराइजेशन प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड। ये दुकान पे जब स्वाइप करते हो उसके बाद में नीचे जाओ तो आप दोनों का डिफरेंस क्या है? शॉपिंग हो गई रहे, शॉपिंग इज डन, अभी तक पैसा किसको नहीं मिला? वहां पे ICICI बैंक अगर अपना गेटवे खोलेगा तो उसको दिखेगा इतने पैसे एक्सपेक्टेड टू कम है, कि जिनकी रिसीट निकल चुकी है पैसा भी रास्ते में। अभी अगर ऊपर वाली डायग्राम हो गई तो, और नीचे वाली डायग्राम होने के में डायरेक्टली पैसा क्रेडिट हो जाता है। अरे मैंने कितने बार दिखाया आपको, गेटवे बता दिया कि पैसा प्रोसेस में है। मैंने आपको ईजबस का अकाउंट दिखाया था उस दिन, कि वो ईजबस के अकाउंट में दिखाया था मैंने, देखो कितना पैसा एक एक साथ बल्क में आता है, 10 लाख 5 लाख 20 लाख ऐसे पैसे आते हैं ना। वो क्या करते हैं, उनका एक साइकिल होता है कि 24 घंटे में जितने भी लोगों ने स्वप्निल पार्टनर क्लासेस पे कार्ड जो किया होगा तो सबका पैसा इकट्ठा मिला के वो आपको क्रेडिट करेंगे। यानी कि वो जो सेकंड डायग्राम है वो होती है, वो जब मेरे अकाउंट में 10-20 लाख जब क्रेडिट होते हैं तो वो नीचे वाला डायग्राम होता है, उसको क्लियरिंग बोलते हैं। तो 10-20 लाख क्रेडिट होते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जितने भी लोगों ने कस्टमर ने बाय किया होगा उनके नाम पे डेबिट हो रहा है और मेरे नाम पे एक साथ में क्रेडिट हो रहा है। ये डायग्राम देखो जरा, फील करो उसको, महसूस करो, बोलो सही लिखा है ICICI। देखो कुछ कुछ हो रहा है इसमें, किसको पैसे मिलना बाकी है? स्टार्टिंग पॉइंट उसको वो करो, बीच वाला जो है क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, वो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। वो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर आप बताओ क्या होगा वहां से। वही काम करो कि आप मर्चेंट्स बैंक दिख रहा है क्या लेफ्ट साइड में? कौन से ICICI लिखो आप, और जो एरो जो है ना इधर क्या है उधर डाल दो, वो गलती से इधर क्या हुआ है, यानी कि वो एरो जो ट्रांजैक्शन डेटा जो लिखा है ना वो क्रेडिट कार्ड में घुस रहा है, वो ऐसा दिख रहा है उधर से ट्रांजैक्शन डेटा आ रहा है, तो मर्चेंट बैंक से वो डेटा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को जा रहा है। पता नहीं क्या लिख रहा है ये चिंटे, क्या किया है, मर्चेंट बैंक से वो ट्रांजैक्शन डेटा क्रेडिट कार्ड में घुस रहा है। ये चिंटे ने कुछ अलग ही कर दिया, तूने भी वही किया क्या? थोड़ा बोला करना इसको, मर्चेंट बैंक से डेटा क्रेडिट कार्ड पे जा रहा है। क्या हुआ कि अभी ये 5000 की शॉपिंग हुई है, वीजा के पास डेटा गया है, वीजा ने इस डेटा को क्रेडिट कार्ड इशुइंग बैंक लिखो HDFC को बोला, ए ला पैसे 5000 ला, चल तेरा कस्टमर 5000 लेके गया है। तेरा कस्टमर 5000 रुपए लेके गया है, ऐसा कौन बोल रहा है दोस्तों? 5000 रुपए कौन लेके गया? पांच हजार रुपए लेकर कौन गया? तो HDFC को बोला तेरा कस्टमर 5000 रुपए लेके गया है, तो HDFC वाले रुको मैं उस कस्टमर को डेबिट करती हूं। मान लो गर्मी नाम का कस्टमर था, तुम्हारा जो है ना प्रज्वल एक अलग लेवल का स्किल है तुम्हारा, अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, असामान्य बात करता है। शट अप। देखो कस्टमर ने 5000 की शॉपिंग करी, HDFC बोले मेरे कस्टमर आपके पास में आए थे, बोले आए थे 5000 का सामान लेके, क्या लेके, एक काम करते हो मैं भी उनको डेबिट करती हूं। तो इसीलिए स्टेटमेंट में देखो क्रेडिट कार्ड से एक एरो निकल के वो कस्टमर के माथे में जा रही, देखो तो देखो वहां पर डेबिट किया बैंक कि, तू किधर लिख रहा है मेरे भाई? वहां नहीं बेटा, वहां नहीं, इधर इधर
क्रेडिट कार्ड इश्यूइंग बैंक जो दिख रहा है वो HDFC है, उससे देखो नीचे कस्टमर के माथे में स्टेटमेंट जा रहा है, एक वो स्टेटमेंट लिख दो डेबिट, यानी कस्टमर हो जाएगा डेबिट, क्योंकि अगर HDFC को पैसे देना है वीजा को और वीजा को देना है ICICI बैंक को, तो HDFC बोलेगा भाई मैं तो कस्टमर के नाम पे डेबिट करूंगा ना, और बाद में क्या हो रहा है वो कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड है रे, डेबिट कार्ड नहीं है। क्रेडिट कार्ड में पहले पैसा बैंक देती है, बाद में कस्टमर से ले लेती है, पेमेंट क्यों दिया फिर उसने, क्योंकि उसके बिहाफ में पहले HDFC ने दिया था, तो HDFC को अपने पैसे मिलना चाहिए, तो पेमेंट मिल गया। तो तब पहले पैसे 5,000 किसने दिए थे, HDFC ने, किसको दिए थे, वीजा ने, वीजा को, वीजा ने किसको दिए, ICICI, और ICICI ने किसको दिए थे, मर्चेंट को, यानी शॉपकीपर को। अब फिर क्या हुआ, HDFC तो पैसा मिलना बाकी था तो इसलिए वो पैसा मिल गया, क्लियर है। अब बताओ क्या हो रहा है, सर अभी कुछ नहीं हो रहा, आप देखो जरा वहां पे दिख रहा है कुछ पेमेंट दिख रहा है, पेमेंट क्रेडिट कार्ड के बॉडी में से पेमेंट निकल के मर्चेंट के पास आ रहा है, क्या हो रहा है वो, अरे वीजा देगा ना ICICI को, वो मैंने आपको पहले जुबान से बोल दिया, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि डायग्राम में क्या किया है, वो पेमेंट आ गया, पेमेंट आ गया, फिर बाद में वो क्या है, स्टेटमेंट देके उधर से पैसे उनको चले गए, ठीक है ना। पेमेंट कहाँ पे आ गया, मर्चेंट के बैंक को, क्रेडिट कार्ड से देखो पेमेंट आया, किसको आया पेमेंट, ओके क्लियर है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आ गया ICICI बैंक के पास में, वहां से आया पैसा मर्चेंट के पास, सिंपल है। वो एक स्टेटमेंट कहां से निकल रहा है, क्यों मर्चेंट वाला स्टेटमेंट दे रहा है इसको, मर्चेंट वाले को बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि तेरा पैसा मेरे पास में आया, ये तेरा पैसा, इज इट क्लियर, मुझे तो समझ आ रहा है आपको। वैसे मैं आपको समझाऊं, ICICI ने आज तक ऐसे डायग्राम कभी पूछे नहीं है, ICICI हो सकता है आपको प्रोसेस पूछे और आपको शब्दों में लाइन बाय लाइन आपको डिफाइन, क्योंकि ये डायग्राम को ड्रॉ करना है अपने आप में चैलेंज है, वो कहां से कौन सी एरो किधर घुस रही, सिर्फ वो हमने एरोस पे इतना फोकस इसलिए किया ताकि हम उसको शब्दों में बयां कर सकें, क्योंकि ऐसा मुझे लगता नहीं, पूछा तो अलग बात है 99% नहीं पूछेंगे, ड्रॉ द डायग्राम, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करना ही चैलेंजिंग हो जाएगा, अगर उन्होंने बोला ड्रॉ करो तो हम लोग करेंगे ना, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पढ़ रहे, पर पूछने का आसार ये कह रहा है कि वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे इसको शब्दों में लिख के बताओ, Kindly explain the process of credit card authorization, credit card clearing. अब दोनों में difference बता दो एक बार क्या है? बगैर देखे बोल सकते हैं? पहले वाला क्या है? दुकान पे swipe चल रहा है, दूसरा वाला क्या चल रहा है? तो अब एक चिट्ठी लगाओ, उधर एक में नाम लिखो self authorization process, और इसमें क्या करेंगे आप? इसका नाम लिखो clearing settlement process. एक चिट्ठी लग के एक साइड में ये नाम लिखो, एक साइड में वो नाम लिखो। तो क्या क्या नाम लिखना है? क्रेडिट कार्ड के माथे पे चिट्ठी लगाओ और वहां पे एक साइड में लिखो, क्या लिखो, क्रेडिट कार्ड सेल्फ ऑथराइजेशन प्रोसेस, और राइट साइड में क्या लिखेंगे, क्लियरिंग एंड व्हाट, सेटलमेंट प्रोसेस। हो गया, दिस इज डन वेन वी स्वाइप द कार्ड एट द शॉप, कब, सेल्फ ऑथराइजेशन, दिस इज डन वेन वी स्वाइप द कार्ड एट द शॉप, कार्ड हम लोग स्वाइप करते तब होता ही है, ओके, और बाद में क्लियरिंग सेटलमेंट में क्या होता है, दिस इज डन वेन, कब बोलो, This is done after transaction is completed. With the help of this process, with the help of this process, किसको पैसे मिलेंगे, कहां पे लिख रहे हो, सेटलमेंट क्लियरिंग में लिख रहे हो ना, हाँ, विद द हेल्प दिस प्रोसेस मर्चेंट विल बी एबल टू रिसीव, क्या मिलेगा उसको, रिसीव द पेमेंट, उसको पैसे मिल जाएंगे,
विद द हेल्प ऑफ दिस मर्चेंट विल बी एबल टू रिसीव द पेमेंट. पेमेंट उसको मिलेगा. समझे आप? हो गया. अब मुझे वो डायग्राम आपको बयां करके बताना पड़ेगी ये दोनों, क्योंकि अभी मुझे यकीन नहीं आ रहा आपको बोल पाओगे. सेल्फ ऑथराइजेशन बोल पाओगे? प्लीज रिवाइज. पहले कस्टमर गया, कार्ड स्वाइप किया, हो गया. फिर ट्रांजैक्शन का डेटा मर्चेंट बैंक के पास. मर्चेंट बैंक ने बोला रुको, मैं वीजा को बोलता. वीजा गया HDFC के पास में, उसने रिस्पांस दिया पॉजिटिव आया. फिर वो वीजा के पास आया, वीजा ने मर्चेंट बैंक को बोला, वहां से रिसीट इशू हुई. ये डायग्राम ऊपर वाली, वो किधर से क्या एरो जा रहे वो छोड़ दो. आपको डायग्राम ड्रॉ करने का शायद से रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको प्रोसेस समझना चाहिए. वापस से बोलेंगे क्या हुआ ऑथराइजेशन में? हम लोग जब दुकान पे जाते हैं स्वाइप करते हैं तो वो जाता है मर्चेंट बैंक के पास, मर्चेंट बैंक से जाता है वीजा के पास, वीजा से जाता है वो HDFC बोलता ठीक है तेरा कस्टमर आया कोई बात नहीं दे दो उसको, मेरे बैलेंस मेरे पास उसका बहुत सारा बैलेंस पड़ा हुआ है. कन्फर्मेशन दिया वीजा को, कन्फर्मेशन मिला, वीजा ने मर्चेंट बैंक को बोला, वहां से भी कन्फर्मेशन मिला. और फिर वो ICICI बैंक का जो मशीन है जो शॉपकीपर के पास में है वहां से एक रिसीट बाहर निकलता, यानी कि शॉपकीपर को श्योरिटी है कि पैसा आज ना कल आया नहीं पर आ जाएगा. ये माल ले लो तुम्हारा सामान. जैसे आपका बिलिंग होता है रिसीट बाहर निकलती है, दुकानदार आपको बैग में सामान दे देता है, ये ले लो आपका आप जा सकते हो, मुझे पैसे तब मिलेंगे देख लूंगा, मुझे पैसे अब मिलेंगे. नाम क्या? क्लियरिंग. क्लियरिंग नाम क्यों इसका? बिकॉज ये पैसा कट गया था पर अभी तक मेरे पास में आया नहीं, क्लियर नहीं हुआ. क्लियर कब होगा? जब उसके पास से निकल के फंड मेरे बैंक अकाउंट में दिखने लगे तो बोलेंगे क्लियर हो गया पैसा. क्लियर अनक्लियर? अनक्लियर यानी कि पैसा अभी तक आने वाला है पर आया नहीं. आने वाला है, श्योर है. अब ये समझो क्लियर का मतलब क्या था कि पैसा आने वाला है, एक्सपेक्टेड टू कम है, श्योर शॉर्ट आएगा, बाउंड टू कम है, पर आया नहीं. इसलिए उसका नाम क्लियर लिखा हुआ है, वो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, श्योर शॉर्ट आएगा, सिर्फ अटका हुआ है. तो जनरली टेक्स टू डेज, तो दो दिन के बाद में क्लियरिंग में से अनक्लियर में से क्लियर में हो जाता है. तो बता तो क्या होगा यहां पे? शुरुआत कहां से होगी? ट्रांजैक्शन के डेटा कहां पे गया? क्रेडिट कार्ड के पास में गया. फिर उन्होंने किसको बोला? HDFC बोला. HDFC ने स्टेटमेंट दिया कस्टमर को कि तेरे भी आप में मैंने पैसे दिए, तू मुझे दे दे. तो वो देगा जब देगा, उनका आपस का मामला है. वो बोल रहा ना पेमेंट देगा, कस्टमर देगा HDFC में. हो सकता है उनकी मंथली साइकिल होगी, एक महीने बाद सारा का सारा सामान जितना भी कस्टमर ने खरीदा था उसका पेमेंट एक साथ. जिंदल साहब कहां है? सही बोल रहा हूं. क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो, पैसा कब देते हो उनको? मंथली. तो मंथ में जितने बार शॉपिंग करते रहो तो ये जो बंदा दिख रहा है ये कस्टमर जिंदल ही है. वो जिंदल पेमेंट कब करेगा? जिंदल को स्टेटमेंट आता रहेगा. जिंदल पेमेंट मंथली करेगा. क्रेडिट कार्ड का मंथली साइकिल होता है, ठीक है ना? अब बोलो क्या होगा? HDFC क्या करेगा? HDFC पैसे देगा किसको? वीजा को. और वीजा से कहां जाएगा? और मर्चेंट से स्टेटमेंट जाएगा उसको. एक्चुअली ये जो अपन बोलते हैं ना पैसा जाएगा, इट इज नॉट गिवन इन कैश एक्चुअली. वो क्या था, मशीन पे डेबिट क्रेडिट चलते रहता. आप ऐसा कर रहे हो कि अब मान लो पता नहीं उधर से 2000 का 5000 का पैकेट बन के HDFC ने इनवेलप में भेजा होगा, फिर वीजा के पास में होगा, फिर वहां से इनवेलप आया होगा. इट इज डजंट लाइक दैट. इट इज व्हाट इट इज, जस्ट यू नो द वंस आर द डिजिट्स आर यू नो दैट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द स्क्रीन कि आपके पैसे इतने हैं. वीजा बोलेगा, वीजा के पास में अकाउंट खुला रहता HDFC ICICI बैंक, वो क्या एंट्री पास करेगा? HDFC अकाउंट डेबिट, ICICI अकाउंट क्रेडिट, हो गया एंट्री. ICICI बोले ठीक है, वो आपस में सेटलमेंट करते रहते. फिर ऐसा भी तो हुआ होगा, HDFC ICICI का कस्टमर HDFC बैंक के मशीन के पास गया होगा. तो क्या करता है वीजा? क्या करता है एक एंट्री, वीजा के पास कुछ नहीं होता है, अकाउंटिंग करता है. अरे 100 ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे ICICI के, तो 100 ट्रांजेक्शन HDFC के तो होते होंगे ना. फिर ICICI करेंगे, फिर वो सेटलमेंट करता है. अच्छा ठीक है, इसका 5 लाख था, इसका 4 लाख, अब 1 लाख मुझे एक्चुअल में देना है. तो ये अपने को क्या लेने का, अपन थोड़े ना वो कर रहे हैं, पर आपको बता रहा हूँ एक्जैक्टली. अभी मत सोचो हर ट्रांजेक्शन में कि इन्वॉल्व में पैसे आते होंगे, मतलब वो अपने इमेजिनेशन के लिए अच्छा है पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. एक्चुअल में वो क्या, एक अकाउंटिंग एंट्री है. ये वीजा के पास में क्या होगा? ICICI बैंक का लेजर, HDFC बैंक का लेजर. वो किसको डेबिट करेगा? HDFC को डेबिट करेगा, ICICI को क्रेडिट करेगा. तो वो इस तरीके का देखो डेबिट क्रेडिट, वो डेबिट दिख रहा है क्या?
वो क्यों डेबिट कर रहा है उसको? तो वो बड़ा तो देना बात नहीं, पर मैं तेरे को अभी डेबिट कर रहा हूं, और जो दिया ना पेमेंट कर देगा, यानी वो पेमेंट है ना क्रेडिट कर रहा है उसको। एक्चुअल में कोई पैसों के लेन देन होती नहीं है, इससे नंबर्स का इधर उधर एंट्री पास करते हैं। समझ में आ रहा होगा ना? अरे आप सोचो दिन में 50 लाख एंट्री हो रही है, तो क्या पैसे हर बार ट्रांजेक्शन, तो पैसे थोड़े ना जाएंगे आएंगे ऐसे पैसे आने लगे जाने लगे। बोले मैं तेरे को 5,000 भेज रहा, तू मुझे 5,000 भेज, क्योंकि तेरा कस्टमर मेरे पास आया तो मेरा भी तेरे पास आया था, चल भेजते ऐसे ऐसे कर दो दिन भर। ऐसे ऐसे थोड़ी ना होगा, तू भेज मैं भेजता। वो बोलता है कोई किसको भेजेगा नहीं, अपन क्या करते हैं फिर रात में टैली कर लेंगे उसको, सेटल, फिर बाद में जो एक साथ होगा फिर एक साथ में फंडिंग कर लेंगे, चलो बहुत ही होगा ना, चलो एक साथ में पैसे दे देंगे, पर हर ट्रांजेक्शन के बाद में नहीं हुआ है। इज इट ओके? तो समझा सेटलमेंट वर्ड क्यों इसके है ना, ऐसे ऐसे करेंगे बाद। ये देखो एक पेज खत्म हो गया आज, ये भी हो गया है ना, क्या बात है। और आपने ये भी कर लिया था आप, अरे ये तो वो है क्या, ये तो हो गया क्या, ही होता हूं रिस्क, क्या पढ़ रहा हूं मैं, क्या ये कितने डायग्राम से किए हमने अब तक, क्रेडिट कार्ड को एक ही पकड़ो, तो 5 की रिस्क और 5 की कंट्रोल याद ही हो। जो डायग्राम्स देखी है आपने उन्हीं डायग्राम की रिस्क 2-6 हुई क्या, तो इधर 6 क्यों नहीं, फिर ट्रेजरी का नहीं दिया है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, मॉर्टगेज दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है, ट्रेजरी का दिया है ना, अच्छा लोन्स एडवांसेस का एक ही है, और क्या फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड का एक ही दिया उन्होंने। अभी तक तो आधे लोग को समझ रहा नहीं है कि वापस क्या है, ये जो डायग्राम दिखी है ना बच्चों पर, ये सुनो एक मिनट सुन, ये जो है ना अभी तक अपन ने जो देखा है ये डायग्राम्स देखिए, क्या देखिए, क्या हम लोग बैंक के मैनेजर बनने वाले जो डायग्राम पढ़ा रहे, तो ये क्या हुआ, हम को ने सीए के कोर्स में पढ़ रहे, तो हम लोग ये जान के क्या करें बैंक में क्या होता है ये समझे, पर हमें एज एन ऑडिटर पता होना चाहिए ये काम करते करते क्या रिस्क हो सकती है और उसके कंट्रोल क्या होना चाहिए, ताकि बैंक वालों को हम बताएं कि ये प्रोसेस आप जो कर रहे हो उसमें ये रिस्क हमें लगती है, क्या आपने इस रिस्क के अगेंस्ट में कंट्रोल लगाया क्या। हम कौन, वाई शुड वी लर्न दिस, बिकॉज वी आर गोइंग टू बिकम एन ऑडिटर। तो ये फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड, क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस, कासा अकाउंट, ये सब कुछ जब बैंक में होता है तो अपन ने ये समझा कि इन डायग्राम से ये होता कैसे है, पर अभी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ये पूछा है कि ये काम करते 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 कौन से रिस्क मौजूद है, ताकि हम जब ऑडिट करें तो अपने बैंक जो क्लाइंट है उनको बताएं कि कासा अकाउंट में कौन सी रिस्क है, क्रेडिट कार्ड के इश्योरेंस में कौन सी रिस्क है, क्रेडिट कार्ड के प्रोसेस में क्रेडिट फैसिलिटी फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड में ट्रेजरी में क्या है, कौन सी और उन रिस्क के लिए क्या आपने ये निर्धारित कंट्रोल लगाए, ये सब हमें आपको बैंक को बताना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों यहां पे जो लिखा है क्वेश्चन रिपीट नहीं है, वहां पे प्रोसेस को समझा कि प्रोसेस कई सी चलती है, यहां पे कैसी नहीं चलती, उन प्रोसेस में कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है वो लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. तो इधर लिखो, यहां पे जाओ, यहां लिखो ना 5.61 पे चिट्ठी लगा के अच्छे से लिखो, गंदगी मत करो मेरे किताबों पे।
क्या लिखा आपने वहां पे? चिट्ठी लगाओ और लिखो। हाँ बस इसके बाद में वही गाना ही लगाते बेटा, डांस भी कर लेंगे। आप 5.61 पे लिख रहे होंगे, सुनो इधर, आप सुन रहे भी नहीं। सुनोगे क्या? ओके देखो बच्चों, हमने ये सब कुछ देखा, एक बात समझ लेना, एग्जामिनेशन में कोर बिजनेस फ्लोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंतर्गत कासा हमने पढ़ा, फिर क्रेडिट कार्ड के तीन क्वेश्चन पढ़े, क्रेडिट कार्ड इश्यू होते समय एक डायग्राम देखी, सेल्फ ऑथोराइजेशन का देखा और क्लियरिंग सेटलमेंट देखा, क्रेडिट फैसिलिटी में फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड देखा और ट्रेजरी में फ्रंट मिडल बैक देखा। ये हमने किया है, डायग्राम्स इनकी देखिए। हाँ, तो इनके डायग्राम देखने के बाद में अब हमें उनकी रिस्क और उनके कंट्रोल सिखाए जा रहे हैं। डायग्राम से क्या समझा? ये जब क्वेश्चन आते हैं तो इनके तीन बच्चे बनते हैं, एक तो डायग्राम दिखाते हैं, फिर आईसीए उसी डायग्राम को एक्सप्लेनेशन देती है और इन्हीं सब डायग्राम के ये चलता है पूरे चैप्टर में, इससे ये जो पूरा हिस्सा है इसमें यही चलता है। इसमें एक बार से बता दो मुझे, ये फंड बेस्ड में क्या देखा हमने? सीसी, ओडी, लोन, इसमें हमने, ठीक है ना, ये देखते हैं। क्लियर है? डायग्राम तो आपने समझ ली, डायग्राम को देख ले तो एक्सप्रेशन अपने आप आ जाता है और रिस्क ऑन कंट्रोल हम लोग लिखेंगे। पर क्या आपको ये समझा हम लोग क्या कर रहे थे? बेसिकली ये ऐसे डायग्राम वाले, ये कम से कम 15-20 पेज हमारे चैप्टर में यही है, तो ये इसको हमने इतना शॉर्ट में लिख दिया। देखो कासा आएगा, क्रेडिट कार्ड के तीन बच्चे के इशू के समय पे क्या होगा, सेल्फ ऑथोराइजेशन क्या होगा, सेल्फ ऑथोराइजेशन मतलब क्या होता है, एट द शॉप, शॉप के बाद में क्या होता है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, क्या होता है यहां पे, इसमें किसको पेमेंट मिलता है क्लियरिंग में, मर्चेंट गेट्स, बराबर है।
क्रेडिट फैसिलिटी फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड आ गया। आपको याद है फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड की डायग्राम कौन सी है? वो चार मामला होते हैं इसमें, ये वही है। ये फ्रंट मिडल बैक है, याद है आपको? कहां पे वो प्री डील्स होता है, डील कैप्चर होती है, फिर उसका रिस्क असेसमेंट चेक करते हैं मिडल में, फिर उसकी पोजिशनिंग भी होती है, अप्रूवल मिलता है, फंड मिलता है, अकाउंटिंग मिलती है। फंड बेस्ड में और नॉन फंड बेस्ड में डायग्राम जो देखी थी अपन ने, याद है उसका लेफ्ट साइड एक कॉमन था, क्या था उसमें? आरएम के पास जाएंगे, वो आपको केवाईसी पूछेगा, फिर वो रिस्क असेसमेंट टीम के पास देगा, फिर हाँ बोलेगा ना बोलेगा, फिर पीडीसी शो होगा, फिर मास्टर क्रिएट होगा, फिर उसके बाद में मास्टर में दो दिन एंट्री होगी, इंटरेस्ट चार्ज होगा, तब लोन देंगे, तब लोन आया, तब इंटरेस्ट चार्ज होता है। एंट्री क्या होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आप बताइए लोन देगा तो एंट्री क्या होगी? कस्टमर अकाउंट होगा क्रेडिट और लोन अकाउंट होगा डेबिट। और जब पैसे वापस मिलेंगे तो कस्टमर जो क्रेडिट होता वो डेबिट होगा और लोन होगा क्रेडिट। वैसा ही एलसीएलजी के टाइम पे होगा। इसकी एंट्रीज क्या होगी? जब कमीशन चार्ज होगा तो कस्टमर अकाउंट डेबिट होगा और कमीशन क्रेडिट होगा। जब हम लोग उसको एलसी देंगे तो बैंक के बुक में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रेडिट होगा और कॉन्टिंजेंट असेट डेबिट होगा। वापस आ गए तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो क्रेडिट हुआ था, नीरव मोदी ने पैसे दे दिए तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैंक की डेबिट हो गई, और जो असेट जो डेबिट हुआ था, ये भी क्लियर है, ये भी हो गया। कासा का और क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस का एक बार बता देंगे मुझे, बोलो इसके चार स्टेप्स कौन से थे? एक ये कस्टमर रहता है, यहां पे कस्टमर कहां पे गया? एक तो ऑनलाइन जाएगा या फिर वो ऑफलाइन भी जा सकता है, वहां पे केवाईसी चेक होगा, केवाईसी ठीक होता वो बोले ठीक है, अभी ही जाएगा क्रेडिट एंड रिस्क टीम के पास में। उसके बाद में अगर मान लो एक तो हाँ होगा तो हाँ होगा, वरना रिजेक्ट भी कर देंगे। हाँ बोला तो फिर उसको यहाँ पे कासा अकाउंट कंफर्मेशन पे जाएगा। और यही चीज इशू में कैसे आती है? वापस क्रेडिट कार्ड के लिए क्या करेगा? ये जाए कस्टमर जाएगा, कहाँ पे जाएगा? आरएम क्या मांगेगा? केवाईसी, ईकेवाईसी, जैसे भी मांगना है, क्रेडिट टीम के पास जाएगा। फिर क्या होगा? लगता है तो उसको हाँ बोलेंगे, ना भी बोलेंगे। हाँ बोले तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट कार्ड डिसबर्समेंट के पास जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी, ये सब कुछ आपको समझ आ रहा है? इसके डायग्राम्स एक्सप्लेनेशन हमने देख लिए, रिस्क एंड कंट्रोल हम देखेंगे, उसके पहले आप इसको ड्रॉ करेंगे। इसको पहले आप समझ लो कि बच्चे कितने हैं। इसके बेसिकली चार, पहले डायग्राम निकालना कैसे देख लो। इसके ऊपर चार बच्चे, कासा, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट फैसिलिटी एंड ट्रेजरी। फिर क्रेडिट कार्ड के तीन बच्चे हुए, ठीक है ना, क्रेडिट फैसिलिटी के दो बच्चे हुए। तो आपको कैसे लिखना थोड़ा सा अच्छे से देख लो। बेसिकली बच्चे चार होंगे, पर सेकंड बच्चा बड़ा है तो उसके तीन बच्चे होंगे, थर्ड बच्चा बड़ा है उसके दो बच्चे होंगे, ठीक है ना। और इन तीनों के भी डायग्राम्स आएंगे, मतलब हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, क्वेश्चन में डायग्राम भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं, रिस्क एंड कंट्रोल भी पूछ सकते हैं। बेसिकली मेन चार बच्चे बनाना है, एक चिट्ठी में काम नहीं चलेगा तो दो बनाओ, चिंदगी मत करो। बहुत चिट्ठियां, बहुत पैसे कमाएंगे, चिट्ठियों की बरसात होगी बाद में।
से जिंदगी ढूंढ रही है, जिसे जिंदगी ढूंढ रही है। क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं। क्यों दिल ये मुझे कहता है, जज्बात नए से मिले हैं। जाने क्या सर ये हुआ है, एक आस मिले फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। ना मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको जैसे बंजारे को घर। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, हो गया ये लिखिए, ओवर। दिल मेरा है ना समझ कितना बेसबर, ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे, खुद मगर नहीं जान सका। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश। हो गया पूरी तरह। ये आपको लिखना है डायग्राम एक्सप्लेनेशन रिस्क एंड कंट्रोल, ये लिखना है। इन सारे क्वेश्चंस के अंदर क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इनके डायग्राम ड्रॉ करे, इनका एक्सप्लेनेशन दे, या इनका रिस्क कंट्रोल। ये तो सिर्फ क्वेश्चन के नाम है, पर उनके क्वेश्चन पूछेंगे क्या? इन सबके डायग्राम पूछ सकते हैं, इन सबके एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, या इनका रिस्क कंट्रोल पूछ सकते हैं। Oh,
असर तेरे साथ रह कर न जाने की होश मुझे मारा लफ्ज मेरे थे जुबां पे आके रुके पर हो ना सके वो धड़कन तेरा ही नाम जले आंखें भी पैगाम ये दे तेरी नजर का ही ये असर है मुझ पे जो हुआ इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह. Hey guys, welcome back. तू जो मिला तो जिंदगी है बदली. जय श्री राम. तेरा श्री राम सुनाई नहीं दिया तब से. वो लगा कहाँ है तेरा श्री राम भाई. मिला कि नहीं उगाना तुझे. उसमें एक पता है क्या, वो एक बंदा है अनूप जलोटा है ना. कैसा गाता है भगवान के गाने, देखा क्या तुमने कभी अनूप जलोटा का? नहीं सुना क्या आपने? क्या अनुज, अनुज क्या अनूप है? बेस्ट ऑफ मैं नहीं माखन खायो ऐसी लागी लगन. पर इनके सुर में आपको भी आना पड़ेगा संतूर पर. पीयूष पवार आपको बजा के सुनाएंगे. पधम पधम रे गम रे गजनी सरे गम पम गे मम रे गम पधा धम सारे भक्त जन हाथ ऊपर उठा के बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया ओ शाम मोरी रंग दे चुनरिया शाम रंग दे चुनरिया हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन. भैया बहुत फैन फॉलोइंग है इनकी. आदमी रंगीला है, भजन ऐसे गाता. भैया बिग बॉस में ये वही है ना, उसकी चिंटी एकदम एकदम उसके अलग ही लेवल है इसका. ये गाने ऐसे गा रहा है वैसा नहीं है. हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी महलों में पली बन के जुगन चली वाह महलों में पली बन के जुगन चली मीरा रानी दीवानी गाने लगी ऐसी लगी लगन. Hey guys, welcome back. दोस्तों इन सारे डायग्राम के रिस्क और उनके कंट्रोल्स देखने के बाद ये पेज खत्म हो जाएगा और फिर ये चैप्टर हमारा 50% से भी ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस वाइज हो जाएगा. मित्रों इस डायग्राम को देखिए और जस्ट इमेजिनेशन में लाइए क्या रिस्क वहां पे हो सकते हैं. सर कुछ भी हो सकते हैं. केवाईसी पूछा ही नहीं, बगैर केवाईसी का दे दिया, क्रेडिबिलिटी चेक नहीं करी, सही होने के बावजूद रिजेक्ट कर दिया, जितनी औकात थी उससे ज्यादा दे दिया, और जो इंटरेस्ट चार्ज किया है
और गलत क्या, जिस बंदे ने ऑथराइजेशन किया उसकी ऑथोरिटी ही नहीं थी, ऑथराइज पर्सन ने गलत तरीके से ऑथराइज किया और जो अनऑथराइज थी उसने ऑथराइज कर लिया, आप कुछ भी बोल सकते हो। और ये क्रेडिट कार्ड में बोलो क्या हो सकता है, क्रेडिट कार्ड के इशू उनको कर दिया जिनको देना और जिनको देना चाहिए था क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट जैसा चार्ज करना चाहिए था, और केवाईसी क्रेडिबिलिटी सही, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट टीम ने सही से असेसमेंट, ये सब कुछ भी लिख दो, कुछ भी जो मन करे लिख दो। जब उसके रिस्क कंट्रोल पूछे अपने आप को रोकना नहीं, जो डायग्राम में दिख रहा है उन्होंने चार पांच दिए, वो सिर्फ एक पाथ दी है आपको, आप अपने मन से बहुत सारी बातें यहां लिख सकते हो। आप मुझे बताओ ट्रेजरी में क्या होगा, अरे ट्रेजरी वालों ने क्या गलत किया, ठीक से रिस्क असेसमेंट नहीं करी, जिसको अप्रूवल किया था कुछ ही अलग जगह पे फंड्स लगा दिए, इवैल्यूएशन ठीक से नहीं किया, रैंकिंग सही नहीं करी, डील गलत कैप्चर करी, पैसे दिए किसी और को, अकाउंटिंग क्या किसी और को, पैसे जितने अप्रूव किए थे उससे ज्यादा ही दे दिए, वैल्यूएशन गलत हो गया, वैल्यूएशन से ज्यादा पैसे दे दिए, रैंकिंग गलत हो, आप क्या करेंगे। ये जो है ना, ये अगर आपको पता है ना, आप इनके यहां पे बोला ना वैल्यूएशन गलत, आप कह रहे हैं वैल्यूएशन किया ही नहीं, रिस्क असेसमेंट किया पर गलत किया, अप्रूवल जिसको किया अकाउंटिंग किसी और की करी, ये शब्दों में से ही खेलना है आपको, इसको अगर आप उसको याद करने जाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। याद नहीं करना, कुछ चीजें समझदारी का काम होता है, आप दिख रहा है ना उसको देख के इमेजिनेशन पे लेकर आपको उसको रिस्क एंड कंट्रोल ठोक देना है बस। ओके चलो आ जाओ, इसके ऊपर कुछ भी बोल दो, आपको इसके देख के कुछ कुछ आपके मन में हो रहा है, आरएम ने केवाईसी और केवाईसी लिया था, रिस्क टीम ने गलत चेक किया, हाँ आगे बोलो, ऐसे इंसान को रिजेक्ट कर दिया जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जितनी औकात थी उससे ज्यादा का सैंक्शन कर दिया, और जो इंटरेस्ट गलत चार्ज कर दिया, कमीशन गलत चार्ज कर दिया, जो एंट्री थी अकाउंट की वो गलत तरीके से कर दी, मित्रों पैसे आए क्रेडिट नहीं हुआ, पैसे दिए डेबिट नहीं हुआ, मास्टर बनाते समय गलती कर दी, जिस बंदे को जितना सैंक्शन करना चाहिए था पीडीसी जितना दिया तो पीडीसी से ज्यादा पैसे दे दिए, अरे आप जितना सोचो दो चार तो आप ऐसे बैठे बैठे उसमें रिस्क निकाल लेते। एक तो सिर्फ मैं आपको बार बार क्यों बुक से नहीं पढ़ा था कि मैं आपका उतना वो क्या बोलते हैं विचारों से आपको उतना बड़ा करना चाहता हूं कि इसको आप टेंशन मत रखिए, ये पेज आपका फोकट का खत्म हुआ है, इसको करना नहीं है, ये इसकी मेहनत हमने वहीं कर दी थी, कहां पे, जब डायग्राम कर, अगर आपको देखना तो यहां देख सकते हो, चलो आपको देखना है ना, नहीं देख लो चलो, नहीं नहीं आप रोको मत बेटा मुझे, ये देखो रिस्क अराउंड मॉर्गेज प्रोसेस क्या कह रहे हैं, ये कौन सा है रिस्क अराउंड, कौन सा है लोन एंड एडवांसेस है क्या, हाँ ये देखो ये पीडीसी वो सब देखो, उन्होंने क्या लिखा, इंटरेस्ट रेट गलत चार्ज कर दिया है ना, क्रेडिट लाइन जो सेटअप की थी वो ज्यादा कर दी, इंटरेस्ट गलत चार्ज कर दिया, समझ गया क्या, देखो जो जिस बंदे ने लोन ग्रांट किया था वो बंदा ही अनऑथराइज था, मतलब उनकी बातें कुछ हमसे, पीडीसी जो दिया था अलग और पैसे जो दिए थे वो अलग, जिस बंदे ने क्रेडिट लाइन सेटअप की थी वो अनऑथराइज थी, और जो ऑथराइज था जिसने सेटअप की उसने एक तो क्या होता है ऑथराइज बंदे ने इसका काम किया पर गलत तरीके से किया, एक तो बंदा ही गलत था, तो देखो ऑथराइज पर्सन गलत काम करे और दूसरा था बंदा ही अनऑथराइज है, क्या बोलते हैं आप, है अरे आप ये ट्रेजरी में, अब देखो उन्होंने अपने ट्रेजरी में कितना कुछ बोला था, उन्होंने सिर्फ 5-6 पॉइंट लिखे, अब देखो क्या क्या हुआ, देखो इनएक्यूरेट ट्रेड इज प्रोसेस, यानी कि जो ट्रेड कुछ अलग सैंक्शन हुआ था, अनऑथराइज कंफर्मेशन जिस बंदे ने इवैल्यूएशन किया वो कर दिया था, इनसफिशिएंट सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर द सेटलमेंट, यानी कि आपने हाथ तो कर दिया पर पैसे नहीं आपके पास, इनकम्प्लीट इनएक्यूरेट डेटा फ्लो बिटवीन सिस्टम, इनसफिशिएंट फंड्स, इनकरेक्ट नॉस्ट्रो पेमेंट्स प्रोसेस, यानी कि जितना पेमेंट सैंक्शन हुआ था उसके कुछ अलग ही हुआ, ये इन्होंने जो लिखा बहुत कम लिखा है, अपन तो ये तो सिर्फ बैक, ये तो फ्रंट मिडल बैक, ये तो सिर्फ बैक की बातें कर रहा है, हम तो फ्रंट मिडल में बोल सकते हैं, गलत डील कैप्चर हुई, रिस्क असेसमेंट सही से नहीं हुआ, इवैल्यूएशन सही से नहीं हुआ, पोजिशनिंग सही नहीं हुई, आप कितनी सारी चीजें लिख सकते हो। तो अब मैं आपको यहां पे एक लाइन लिखवाता हूं, यहां पे
बोलना, लिखो अपने आप को रोको मत, ऐसा लिखो। हाँ लिखना है बेटा, चिट्ठी लगा के अच्छे से लिखो। वाइल राइटिंग द आंसर ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल, अपने आप को रोको मत। राइटिंग द आंसर ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल, राइटिंग द आंसर ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल, कल आपके मार्क्स आ रहे हैं इसके। पेपर तो बहुत दिन पहले दिया ना आपने, और पेपर भी छोटा था। इस बार कमाल के आपके मार्क्स आए आपके। वाइल राइटिंग द रिस्क एंड कंट्रोल, क्या बोल रहे हैं आगे बोलो, अपने आप को रोको मत। डायग्राम को देखो और रिस्क को इमेजिन करो। क्या लिखना है, यही लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। क्या लिखना है मतलब क्या, क्या मैं टाइम पास कर रहा हूं यहां पे, क्या लिखना है बोल रहा। अपने आप को रोको मत, सिर्फ डायग्राम को देखो और रिस्क को इमेजिन करो और शुरू हो जाओ। डायग्राम में इमेज को इमेजिन मत करो, डायग्राम को इमेजिन करो और शुरू हो जाओ। ये चिट्ठियां घर वालों को मत दिखाइए, उनको एक कॉन्टेक्स्ट ही पता नहीं, उनको लगेगा क्या लिख रहा है बेटा। लिखो सच, इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, योर आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एग्जैक्टली द सेम लाइक आईसीआई। Your answer is not required to be same like ICI module, same like ICI module. Okay, समझ गए? Next, over. इधर आ जाओ, चलो जाओ, चलो टाइम नहीं मेरे पास, अभी कहां जाएंगे? अरे चैप्टर हो गया क्या? 5.56 पे आओ, 5.57 पे आओ, बस दो ही पेज है। अमेजिंग, वाओ वाओ, अमेजिंग गाइस, 5.56 गाइस, कम ऑन, चेक इट आउट। ऐसी लागी लगन, ना 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 ना। 5.56 अब तक 56 दोस्तों आ जाएंगे यहां पे, और सबसे लेफ्ट में आपको दिखेगा एक कॉलम जिसका नाम है कोर बैंकिंग सर्विसेज। देख रहा है तू, कोर बैंकिंग सर्विस सबसे कोपछे मिलेगा, लगा दो चिट्ठियां। कहते हैं बैंक में कौन से काम होते हैं, क्या बैंक डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है? हमने बैंक में पैसे जमा कर तो बैंक लेगा, ये तो उसका बेसिक धंधा है। क्या बैंक लोन देगा? बैंक के प्रमुख दो ही काम होते हैं, पैसे लेना और पैसे देना, सस्ते में लेना महंगे में देना। दो पॉइंट आपके सामने आ गए, कोई बताएगा दोस्तों रेमिटेंस क्या होता है? ट्रांसफर्स, चिट्ठी में लिखो ट्रांसफर्स। क्या ट्रांसफर? NEFT, RTGS। यहां पे वो बैंक पैसा नहीं ले रहा, दे रहा भी नहीं, आपके ही पैसे किसी और को दे रहा है, जो जीपे में आप करते हो। रेमिटेंस तो होता है, रेमिटेंस। रेमिटेंस में क्या लिखा आपने?
नंबर फोर, बैंक अपने बिहाफ में पैसा कलेक्ट भी करती है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सर बैंक हमारे बिहाफ में कलेक्ट करती है। हाँ जी, आप बैंक को बोल दो हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट करो, तो बाद में बैंक को हमारे, हमने जितने भी शेयर्स लिए हैं ना उसके ऊपर डिविडेंड जब भी मिलेगा तो बैंक अपने बिहाफ में कलेक्ट कर लेगी, हमारे पास नहीं आएगा, बैंक के पास आएगा। देखो रेमिटेंस का मतलब आरटीजीएस एनईएफटी कलेक्शन, हमारे बिहाफ में बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करती है, और क्या कलेक्ट करती है, क्लियरिंग पता है। जैसे आपने मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लिया, आपने चेक दिया, तो मैं चेक कहाँ दूंगा, आपका हो सकता देना बैंक का चेक, मेरी बैंक आईसीआईसी बैंक, मेरे बैंक में कब आएंगे, आईसीआईसी बैंक में कब, तो आपने दिया वो चेक मैं बैंक में डालूंगा और क्लियर होके मुझे मेरे पैसे मिलेंगे, बिकॉज अभी तक तो चेक ही मिला पर पैसे नहीं मिले, तो बैंक का काम होता क्लियर करना, तो लिखो चेक, चेक क्लियरेंस, एलसी एलजी, समझ गए होंगे, नीरव मोदी एलसी। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या बताओ, बचपन से ही पढ़ा जा रहा, बैंक का काम होता है क्रेडिट कार्ड देना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यानी कि वी आर यूजिंग द बैंक्स फंड्स, डेबिट कार्ड में हम अपने ही पैसे यूज करते हैं, लिखा हो क्या पता है, यू वांट टू एक्सप्लेन, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन डेबिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड उसको डेबिट क्यों बोलते, हम बैंक से उधारी भी नहीं ले, हम अपना ही पैसा यूज कर रहे हैं, और क्रेडिट में बैंक हमें उधारी पे दे रही है। अदर बैंकिंग सर्विसेस, बैंक ऑपरेशंस, रिटेल बैंकिंग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेस, ये भी अन्य काम बैंक करती है। फाइव पॉइंट ये है अदर बैंक सर्विसेज, आप देख सकते हो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछ सकता है, ऐसे है कि कोर बैंकिंग में कौन से सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है, बताओ कौन से प्रोवाइड करता है, एक बार जितने में उसको पढ़ लो, डेबिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड देता है, हमारे चेक्स को क्लियर करता है, हमारे पैसे ट्रांसफर करता है, रेमिटेंस करता है, हमें एडवांस देता है, हमसे डिपॉजिट लेता है ना, एलसी करता है, एलजी करता है, ये सारे बैंक काम करता है। उसमें आदर्श में कुछ पॉइंट लिखे जो हमें जानना जरूरी है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बैंक ऑपरेशन, रिटेल बैंकिंग, एचएनआई, रिस्क मैनेजमेंट। एचएनआई को देखते पहले, बैंक प्रोवाइड स्पेशल सर्विसेज टू कस्टमर क्लासिफाइड एज व्हाट, एचएनआई, बराबर है, जिसके बहुत ज्यादा पैसे बैंक में होंगे तो बैंक उनको स्पेशलाइज्ड सर्विसेज उनके हिसाब से कस्टमाइज करा के देती है ना। तो अगर आपके निर्धारित ज्यादा निर्धारित अमाउंट से ज्यादा पैसे अगर बैंक में अपने जमा करे हैं तो बैंक आपको दे मे गिव यू स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, या ओके इट्स कॉल्ड एज एचएनआई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये देखो भाई जिसका चैप्टर हम लोग कर रहे हैं पता होना चाहिए वो कौन सी सर्विसेज हमें ऑफर करता है, ये क्वेश्चन बैंक में एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं, कोर बैंकिंग में क्या क्या चीजें बैंक करता है, तो वो जो अपने लिखे वो है और आदर्श में कुछ पॉइंट्स लिखे। एचएनआई तो बहुत इजी है, इसका नाम ही एचएनआई, हाई नेटवर्थ दी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो उनके लिए बैंक बहुत सारा काम करती है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क आर ऑल परवेसिव इन द बैंकिंग सेक्टर, दिस शुड बी डन एट द स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, रिस्क मैनेजमेंट इज द बेस्ट ड्रिवन एज पर पॉलिसी विद द डिटेल स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स गाइडलाइंस प्रोवाइडेड फॉर यूनिफॉर्म, क्या बोल रहा है, काय का रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिकल, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, क्या है, दिस शुड बी डन एट, क्या चल रहा है ये बैंक के सर्विसेज, हम लोग क्या कहते हैं अदर बैंकिंग सर्विसेज, बैंक के सर्विस देता है लोगों को, बैंक आपकी रिस्क मैनेज करके देगा, बैंक विल मैनेज योर रिस्क। द की टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बैंकिंग एक्टिविटीज हैव बीन एक्सप्लेन हियर, सम ऑफ द की टर्म्स यूज्ड इन द फिगर आर फर्दर एक्सप्लेन हियर, आप मुझे बताएं कि कौन किसकी रिस्क कम कर रहा है, हमसे पैसे लेके बैंक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क कुछ हद तक कम कर सकता है, बैंक विल ट्राई टू रिड्यूस आर रिस्क बाय टेकिंग सर्टेन कमीशन, आई रिपीट, बोलो क्या, बैंक हमें हमसे पैसे लेगा और हमारी रिस्क को कम करे। एग्जांपल, आजकल बैंक्स में इंश्योरेंस निकलते हैं, तो बैंक विल ट्राई टू रिड्यूस आर रिस्क बाय गिविंग अस इंश्योरेंस,
SBI का इंश्योरेंस आता मालूम है क्या? आज बहुत सारी बैंक्स अपना इंश्योरेंस करवाते थे, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस आर रिस्क, पर उसके बदले में वो प्रीमियम लेंगे। एग्जाम्पल लिख देंगे आप, रुको एक साथ लिख देंगे, इधर देखो और कुछ आ रहा, रिटेल बैंकिंग समझता है, देखो डेबिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, मॉर्गेज, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन दैट कवर ऑल ऑपरेशंस विच प्रोवाइड डायरेक्ट रिटेल सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर पर्सनल यूज। एग्जाम्पल डेबिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, मॉर्गेज, क्या है ये? ये रिटेल बैंकिंग है। रिटेल यानी कि एक कस्टमर को जिंदगी में जो जो लगता है ना वो सब देना, EMI तो होता है बैंक में, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो ऊपर वैसे कवर हुआ है, मॉर्गेज के अगेंस्ट में लोन देना। रिटेल रिटेल बैंकिंग यानी कि हर एक कस्टमर की जिंदगी में उसको जो जो चीजें चाहिए रहती है ना बैंक से, उसको एक बहुत बड़ी चीज खरीदना है, मान लो उसने कुछ बहुत 2 लाख का फ्रिज लिया हुआ, उसको EMI चाहिए, बैंक EMI देगी, है ना? उसने घर लिया तो मॉर्गेज पे रख के उसको लोन देगी, तो ये तो बैंक का रिटेल बैंकिंग बोलते हैं उसको। इसको ऐसा क्या बोला, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस दैट कवर ऑल ऑपरेशन विच प्रोवाइड डायरेक्ट रिटेल सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर पर्सनल यूज, यानी कि इन सारे पैसों का उसका इस्तेमाल पर्सनली होगा, कार चाहिए कार का लोन दे देंगे। हाँ अच्छा है ये, रिटेल बैंकिंग से आपको फायदा होता है ना, डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे लाइफ में अगर आपको कुछ चीजें खरीदना है और बैंक के सर्विसेज दे दे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज लेना है, किसको घर लेना है, तो बैंक आपके, लिखा ना पर्सनल यूज, पर्सनल यूज करने के लिए जो भी पैसा लगता है बैंक आपको देगी। फोकट देगी क्या? इंटरेस्ट पे लगाएगा, EMI पैटर्न पे, या आपको देना पड़ेगा। बैंक ऑपरेशन, दिस कवर ऑल ऑपरेशन डन एट द बैक ऑफिस, दिस आर रिलेटेड टू व्हाट, जनरल लेजर, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। ये अच्छा, ये काम होता है, ये क्या है, ये तो बैक ऑफिस में ऑपरेशंस होते हैं। दिस कवर ऑल ऑपरेशन डन एट द बैक एंड, बैक ऑफिस ऑफ द बैंक, दिस आर रिलेटेड टू जनरल लेजर, MIS, MIS रिपोर्टिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, हमने देखा था, क्या देखा था बताओ? ये क्या है मालूम क्या? दिस आर रिलेटेड जनरल लेजर, MIS रिपोर्टिंग एक्सेट्रा। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या, वो क्या बोल रहा है, आपने जितना भी ट्रांजेक्शन बैंक में किया, एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ICICI बैंक का पेमेंट गेटवे का यूज कर रहा हूँ, तो पेमेंट गेटवे जब लेता हूँ ना मैं, तो क्या करते हैं, मुझे एक सॉफ्टवेयर देते हैं जिसके से मैं समझ सकता हूँ कि मेरे जितने लोगों ने SPCs पे बाय किया था उसमें से कितने लोगों ने डेबिट कार्ड से बाय किया, कितने लोगों ने क्रेडिट कार्ड से बाय किया, कितने लोगों ने UPI से किया, कितने लोग मोबाइल से बाय करते हैं, कितने लोग लैपटॉप से बाय करते हैं, कितने लोग 10,000 से कम वाला बाय करते हैं, कितने लोग, वो पूरा ऐसे एक MIS बहुत सारे रिपोर्टिंग देंगे मेरे को, तो ये भी वो अपने कस्टमर के लिए करते हैं। I'll repeat. देखो भाई, मेरा धंधा चलाने लिए मुझे बहुत सारी इनसाइट्स की जरूरत पड़ती है, जो बैंक, बिकॉज सारा पैसा वहां पे आ रहा था, वो मुझे एक रिटेल रिपोर्टिंग देते कि आपके इसमें पैसा आता कैसे है। मुझे बहुत सारे MIS के रिपोर्टिंग, MIS समझता है, इट प्रोवाइड्स वाइज वाइज रिपोर्ट्स, तो मुझे बहुत सारे वाइज वाइज रिपोर्ट, डायग्राम्स, चार्ट्स, बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स मुझे लाके देंगे ताकि मैं अपने बिजनेस के इनसाइट्स को समझ सकूं, वो लिखा है। उसके बाद में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लिखा है, लोन देना एंड ऑल, अंडरराइटिंग, लाइफ इंश्योरेंस, अंडरराइटिंग समझता है, बैंक विल बिकम अंडरराइटर, अगर आपके शेयर्स नहीं बिके तो हम लेंगे, मतलब ना अंडरराइटिंग, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये सब देंगे आपको, लोन देंगे, क्लेम्स, क्या लिखा है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग करेंगे। ये मालूम है आजकल मैंने कहा था आपको कि आजकल वो ब्रोकर बन जाते हैं, याद है नायका का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किसने किया था, उसमें ICICI बैंक भी था, नहीं याद है, दलाल, दलाल। अगर आपको अपना IPO लाना है तो ये लोग हेल्प करते हैं आपको, मर्चेंट बैंकर्स कहते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट बैंकर कहते हैं, याद आया मैंने बोला था, नायका ने अपना बहुत सारा 200-250 करोड़ 4-5 बैंक को मिला कर दिया था कि आप हमारा IPO सक्सेसफुल करवाओ, तो हम आपको, उन्हें क्या 2.5% फीस लाई थी। ये उनकी स्पेशलाइज सर्विसेज है, अंडरराइटिंग, यू नो, मर्चेंट बैंकर, ये स्पेशलाइज सर्विसेज भी वो किसी के लिए कर सकते, दीज आर नॉट जनरल, ये सबके लिए नहीं, उनका वो आपस में, ये कोई ऐसे रिटेल नहीं कि दुकान लगी हुई, जो लोग आते बड़े बड़े IPO वाले उनको पूछते तुम हमारा IB बनोगे क्या, तो देखते डील अच्छी रहती तो बन जाते IB ऐसा, तो ये अलग सर्विसेज भी बैंक देती है। बताएंगे 5 कौन से नाम, अब देखो आपके चार्ट में भी दिख रहे हैं, बैंक ऑपरेशंस कौन से, MIS रिपोर्टिंग करा के देना, रिटेल बैंकिंग यानी कि आपके लिए EMI, लोन,
डेबिट कार्ड HNI की, इनके हिसाब से वो अलग से कुछ कस्टमाइज करा सकते हैं सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट यानी कि हमारी रिस्क कम कराने के लिए कुछ कर सकते हैं, और लास्ट में स्पेशलाइज सर्विस देते हैं कि हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, हमारे लिए लाइफ इंश्योरेंस दे सकते हैं, है ना, अंडरराइटर बन सकते हैं। ठीक है, चलो लिखना चालू करें, चलो फिर आ जाओ। हाँ, कम ऑन लिखो भाई। अरे आपको खुशी होना चाहिए, चैप्टर को सिर्फ दो ही पेज बचे हुए हैं। इफ यू फिनिश दिस टू पेजेस यू आर डन, देन दिस चैप्टर इज ओवर, देन यू आर इन चैप्टर 5। कम वेटेज नहीं है इसका, चैप्टर 5 हो गया तो यानी कि वेटेज कितना है इसका, 10-12 मार्क का वेटेज है ना, आपके लिए तो अच्छी बात है। एक बात याद रखिए, जितना डिटेल में आप पढ़ रहे हो शायद अभी, हो सकता है आप इसके बाद में इतना वक्त आपको ना मिले पढ़ने का, क्योंकि मेरे क्लासेस के बाद में आपके इसमें वक्त ही बहुत कम बचा हुआ। तो अभी जितनी जान डालोगे आप इसमें उतना ही फायदा आपको होगा। अगर आप ये स्किप करोगे तो कभी ना कभी तो वापस पढ़ना ही पड़ेगा, पर छूटेगा नहीं है। इसीलिए अभी जितना अच्छे से पढ़ोगे बाद में मेहनत उतनी, और मैं तो टेस्ट ही ले रहा हूँ उसकी तुरंत इसके बाद, तो आपका तो और कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, है ना। अच्छी बात है, लिखेंगे आप। चलो कौन सी सर्विसेज है, पहले बताओ कौन सी है। बैंक ऑपरेशन लिखो वहां पे, चिट्ठी लग चुकी होगी आपकी, बैंक ऑपरेशन में लिखो BI, MIS रिपोर्ट्स, MIS बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग, रिटेल बैंकिंग में लिखो रिटेल सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर पर्सनल यूज, रिटेल सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर पर्सनल यूज। मुझे एक बात याद आई इनकी, ये एक देते हैं कि ट्रैवल कार्ड देते हैं, आपको याद है, बैंक आपको ट्रैवल कार्ड देते हैं। अगर मैं एक बार क्या होता है, मैं गया था वहाँ पे, हांगकांग गया था मैं, तो मैंने बोला था एक काम करता हूँ मैं, रुपीज़ देके यहाँ से डॉलर लेके जाता हूँ। बोले सर इतना मत करो आप, हम आपको ट्रैवल कार्ड देते। मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये रिटेल बैंकिंग है, और ट्रैवल कार्ड से क्या होता है, वो डेबिट कार्ड जैसा दिखता है पर उसमें वो कोई भी कंट्री में चलता है, ट्रैवल कार्ड होता है। तो आपको यू डोंट हैव टू कैरी डॉलर्स, यू जस्ट हैव टू कैरी योर ट्रैवल कार्ड, वो ट्रैवल कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं आप किधर भी वर्ल्ड में। ट्रैवलर्स चेक, यस, अभी ट्रैवलर्स कार्ड आता है। समझो मैं USA जा रहा हूँ, मुझे क्या होता है यहाँ से कि मैं रुपीज कन्वर्ट करके डॉलर्स में डॉलर लेके जाता हूँ, तो मुझे डर है इट कैन बी लॉस्ट, तो मैं क्या करता हूँ डेबिट कार्ड के बदले ट्रैवलर्स कार्ड लेके जाता हूँ, तो वो फॉरेक्स से कनेक्टेड होता है, तो आप जिस कंट्री में जाओगे वहां की करेंसी बन जाएगा वो ट्रैवलर्स कार्ड, उसमें वो कॉन्सेप्ट ही है वो ट्रैवलर्स कार्ड, सो दैट यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब बहुत सारे फिरेंगे लोग दो दो चार चार महीने के लिए इंडिया में आके घूमते इधर, वो किसी भी कंट्री में जाकर, अब इंडिया के लोग तो बहुत कम घूमते, फिरंगी लोग का तो काम ही वो घूमते रहते, तो वहां पे लिखेंगे डेबिट कार्ड, ट्रैवलर्स कार्ड, माइक्रो फाइनेंस फॉर TV, फ्रिज, AC, ये सब हमारे लिए करते हो रिटेल बैंकिंग्स। HNI में एग्जांपल लिख दो, मुकेश जी, मुकेश अंबानी बोला मेरे लिए बैंक में ही करवा दो, ठीक है सर, सब चीज पूरा बैंक चेंज कर देंगे आपके लिए। नहीं नहीं, बहुत छोटा आदमी मुकेश जी, अजीम प्रेम जी है ना, रतन टाटा, ये सब HNIs है एक्सेट्रा। बैंक विल कस्टमाइज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, बैंक विल कस्टमाइज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ऐसा होता होगा क्या? क्यों नहीं होगा, धंधा मिल रहा है साहब, हजारों करोड़ के पैसे ऐसे ही पड़े रहते सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में। रिस्क मैनेजमेंट बोलो कौन करेगा, अब इसमें इसका अर्थ जो है ना दो टाइप के होते, तुम समझ के लो पहले। बैंक की सर्विस है जो लोगों का रिस्क कम कराती, और बैंक का सबसे बड़ा काम है बैंक ने अपनी रिस्क खुद ही कम कराना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, मुझे इसीलिए प्रॉब्लम लगता है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, देखो प्रॉब्लम क्या है, ऐसे ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेस है ना,
और उसमें ये सब दिखा है, सम ऑफ दी मेजर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड रेंडर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट कोर बैंकिंग सर्विसेज आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बिलो। यानी कि सर्विसेज किसने दिए होना चाहिए, बैंक ने कस्टमर को देना चाहिए। आपको गलती दिखा रहा हूँ मैं, आईसीआई की क्या गलती है, ये सारी सर्विसेज किसने देना चाहिए, किसको देना चाहिए। अब जो आप ये रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हो ना, वो देखो किस स्टाइल में लिखा है उन्होंने, गलत लिखा है ये। वो उन्होंने बोला कि बैंक अपनी रिस्क खुद कम करती है। देखो यहाँ लिखा है, किधर गया भाई मैं, इधर किधर चला गया मैं, आए देखो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अभी इस एक्सप्रेशन को देखो, रिस्क आर ऑल परवेसिव इन द बैंकिंग सेक्टर एंड दिस शुड बी डन एट स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल लेवल्स। रिस्क मैनेजमेंट इज द बेस्ट ड्रिवन एज पर द पॉलिसी विद डिटेल स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि ये कह रहा है कि बैंक के अंदर रिस्क होती है और बैंक ने अपनी रिस्क कम कर लेना चाहिए। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन ही गलत है। कैसे? क्योंकि यार ये क्या लिख रहा है, बैंक ने अपनी रिस्क को मैनेज करना चाहिए। ये एक बैंक की सर्विस है, सर्विस तो उसको थी जब किसी और को दे रहे हो आप, ये तुमको खुद का काम है। तो इसके तो वो क्या लिखना चाहिए था, बैंक आजकल ऐसी सर्विसेज दे रहा है कि लोगों को बोल रहा है कि यू विल बी एबल टू रिड्यूस योर रिस्क अगर आप हमें कुछ दोगे। तो एक्सप्लेनेशन देगा बैंक ने अपनी रिस्क खुद कम करना चाहिए। क्या बोल रहा है, लिख रहा क्या है, ऊपर लिखा है सर्विसेज, नीचे लिख रहा क्या है, कौन बोलेगा इनको, इनको बोलने वाला भी कोई नहीं, पता नहीं सालों साल चेंज हुआ ऐसी पड़ा रहेगा वो। गलत है। रिस्क आप खुद देखो, बैंक कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लिख रहा क्या है, बैंक ने अपनी रिस्क कम करना चाहिए। एक्चुअली ऐसा होता है कि कुछ इंश्योरेंस के काम जो होते हैं, बैंक क्या करता है, प्रीमियम लेके आपका इंश्योरेंस लेता है, जिसका मतलब क्या, बैंक इज ट्राइंग टू रिड्यूस योर रिस्क। तो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी रिस्क को मैनेज करे कुछ प्रीमियम लेके, ऐसा रहो क्या। पर इन्होंने कहा है रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं एक्सप्रेशन नहीं दूंगा आपको, जो लिखना लिख देना एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा तो आपको लगेगा आईसीआई से उल्टा है और मैं उनका जो लिखा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं झुकेगा ना, क्योंकि वो जो लिख रहा है वो गलत लिख रहा है, फिर मैं क्यों डिक्टेट करूं आपको, मेरे को एक्सेप्टेड नहीं है ऐसी बात है। ये क्या हो गया, टीवी बंद करवा दी किसी, ये मन देखना टीवी बंद हो गया। स्पेशलाइज सर्विसेज में लिखो, वहां पे लिख रहा है स्पेशलाइज सर्विसेज, लिखो स्पेशलाइज सर्विस में लिखो मर्चेंट बैंकिंग, अंडरराइटर, स्पेशलाइज यानी कि हर किसी के हिसाब से अलग अलग। स्पेशलाइज मतलब आपके लिए कुछ, सबके लिए अवेलेबल नहीं है सर्विस। वो बड़ा स्पेशलाइज क्यों लिखा है, ये सर्विसेज सबके लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक, ये कोई दुकान में लगी चीज नहीं है। आप बड़े लोग बात करेंगे तो वो सर्विस आपके लिए बनाई जा सकती है। कौन सी, अंडरराइटर के लिए, आपके लिए आईबी बन सकते हैं। ये उनकी इच्छा, आईबी नहीं बने तो बोलेंगे नहीं बनना हमको, इसे स्पेशलाइज लिखा है। ओके फाइन, हे गाइस कम ऑन। उसके बाद में आपके पास में एक क्वेश्चन है, बताओ क्या क्वेश्चन का नाम है। कोई कुछ बोल रहा भी नहीं है तो मैं किसको बढ़ाऊंगा। और ये हुआ है क्वेश्चन, सिखाकर हुआ ना, हाँ सिखाकर तो मैं वही तो पूछ रहा हूं। तो मैं क्या पूछ रहा था, चंडे आपके पास सेकंड कॉलम जो है वो क्या दिया बताओ, ओवरव्यू ऑफ क्या लिखा है, क्या वो यही लिखा है, ओवरव्यू ऑफ कोर बैंकिंग लिखा है, बताना भाई बुक बताना एक्जैक्टली क्या लिखा है इसमें। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो ही पेज बाकी, हर एक क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरव्यू ऑफ कोर बैंकिंग ऐसा कुछ 7 पॉइंट्स का आंसर लिखा हुआ है। एक मिनट जरा आपके यहां पे जरा स्क्रीन पे देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 पॉइंट्स आपके बुक में भी लिखे हैं, यहां से पढ़ लेते हैं वहां पे लिखते। आपके बुक में क्या लिखा है चार्ट पे, दिस इज अ कॉमन डेटाबेस, सही लिखा है कॉमन डेटाबेस। क्या मतलब इसका कॉमन डेटाबेस का, कॉमन डेटाबेस नहीं तो फिर क्या होगा, ये ब्रांच सेंट्रिक नहीं है, कोर बैंकिंग का काम ही है। बोलो क्या होगा, कोर बैंकिंग के पहले दुनिया में ब्रांच सेंट्रिक हुआ करता था, जहां पे हर ब्रांच का डेटाबेस हर ब्रांच में हुआ करता था। एक ब्रांच में जो आपने पैसे जमा कर दिए वो दूसरे ब्रांच से नहीं मिलते थे, बिकॉज एक ब्रांच की जानकारी दूसरे ब्रांच को नहीं मिलती थी।
फिर इसीलिए लोगों को बहुत मुसीबतें होने लगी दोस्तों, हालात इससे बदतर होने लगे कि एक बैंक दूसरे बैंक का डेटा नहीं समझते थे। मैं यहां के देना बैंक में जाऊंगा, पैसा जमा करवाऊंगा, दिल्ली के देना बैंक मुझे नहीं देगी। मैंने कहा देना, बोले नहीं देंगे, बिकॉज मैं नहीं जानती तुमने पूना में क्या किया। हालांकि दोनों बैंक एक दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन को जानना चाहिए, बिकॉज दोनों ब्रांच देना की ही है दोस्तों। ये आपस में कोई भी इंक्वायरी एक दूसरे की नहीं जानते थे, इसलिए दोस्तों क्या है दुनिया में, कोर बैंकिंग है, जिसमें सेंट्रलाइज डेटाबेस को लाया गया। इसके लिए क्या हो, एक ब्रांच का डेटा जो जमा करे तो कहां जाएगा, कॉमन डेटाबेस में, और सारे ब्रांचेस, सारे एटीएम, सारे ऑनलाइन सब उसी से कनेक्टेड हो। इसलिए आप लोग इस ब्रांच में जमा करते हो तो आप किसी जगह से भी एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हो, यूपीआई से भी निकाल सकते हो, दूसरी ब्रांच को भी। क्योंकि बताओ इस एटीएम को कैसे मालूम चला आपने कितने पैसे जमा करवाए थे, वो भी कॉमन डेटा। वो आपके मोबाइल पे कैसे दिखता है और आपके नेट बैंकिंग को कैसे दिखता है, सब अगर कॉमन डेटाबेस से ही कनेक्टेड होंगे। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट लिखा, देयर इज अ कॉमन डेटाबेस, एक्सेप्टेड गाइस। दूसरा पॉइंट, ब्रांचेस फंक्शन एज अ डिलीवरी चैनल, बराबर है क्या? ब्रांच के पास में अपना दिमाग नहीं है, दिमाग तो कॉमन डेटाबेस में है, वो वही करते जो मंजूर है डेटाबेस होगा। नंबर तीसरी बात, इट इज सेंट्रलाइज बैंकिंग, सेंट्रलाइज, अंडरलाइन द वर्ड सेंट्रलाइज, दैट इज अ सेवरल कंपोनेंट व्हिच हैज बीन डिजाइन टू मीट द डिमांड्स। ये ऐसे क्यों बोल रहे हो, सेंट्रलाइज बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ही सॉफ्टवेयर होगा सबका सॉफ्टवेयर। आप आईसीआईसीआई के कोई भी ब्रांच में जाओ, सबका यूआई एक जैसा दिखता है, बिकॉज सबका एक ही ऐप होगा, ऐप, और ऐप कहां होता है, सर्वर पे होगा। तो वो ऐप एक ही, डेटाबेस भी एक ही, जैसे फिनवन नाम का है या फिनेकल नाम का ऐप होगा, कहां होगा वो, डेटाबेस सर्वर में होगा। इसके लिए वो सबको एक जैसा दिखता है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर अलग अलग होंगे, एक होंगे, सबका सॉफ्टवेयर एक, सबका डेटाबेस भी एक। हाँ, तो अगर मान लो कल्चर के इंटरेस्ट उनको करना है तो सब जगह का इंटरेस्ट सेम कैसे होता है। अब मैं पूना में जाऊं चाहे दिल्ली के आईसीआईसीआई में जाओ, उन्होंने बोला इंटरेस्ट 12%, तो 12% हुआ हर जगह पे, क्योंकि वो सबको वहां से ही मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, तो अब हर ब्रांच एक जैसा क्यों बोलती है, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू यूज योर सेम एप्लीकेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सपोर्टेड बाय एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। लिख दो आप एग्जांपल, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड का फोर्थ पॉइंट में आंसर लिखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, फोर्थ पॉइंट में। बोल रहे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ऐसे क्लाउड क्यों बोलते हैं, बिस्का इसका डेटा क्लाउड पे रहता है, व्हिच इज एक्सेसिबल फ्रॉम व्हाट, क्या यही बैंक का डेटा आप यूएसए से एक्सेस कर सकते हो क्या? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स सच एज व्हाट कस्टमर्स, कस्टमर्स ऑफ द बैंक इज नॉट, नॉट ओके फाइन। अरे वो क्या बोल रहा है कि कस्टमर को बहुत फायदा हो रहा है, लिखो एनीवेयर, एनी टाइम, कभी भी, कहीं भी, हाँ, किसी भी जगह से, क्या बोलो ना, एनीवेयर, एनी टाइम, एक्सेस ऑफ बैंक, कौन विकास बोला, क्या होता बेटा एनीवेयर एनी टाइम, क्या होता है विकास, आजकल बैंक में अपन कभी भी किसी भी जगह से कितने बजे भी, विकास थे तो पिछली बार रात को 3 बजे पैसे निकाले थे। आपको लगता नहीं कोर बैंकिंग से सिग्निफिकेंट लोगों को फायदा हुआ है, ना कि सिर्फ बैंक के ब्रांचेस से, विकास तो ये पैसे मोबाइल से भी निकाल लेता है, या फिर वो लैपटॉप से भी निकाल लेता है, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल वो यूपीआई से भी कर लेता है, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल ये डेबिट कार्ड किसी शॉप पे स्वाइप करके भी कर लेता है। यानी कि पैसे एक जगह पे होते हैं, चैनल बहुत सारे होते हैं, इतने सारे चैनल के आपको लगता है कोर बैंकिंग नहीं दिए होंगे। कैन यू इमेजिन एटीएम विदाउट कोर बैंकिंग, कैन यू इमेजिन, क्यों नहीं इमेजिन कर सकते वो आप? सर उस एटीएम को मालूम ही नहीं चलता कि कितने पैसे हैं। कैन यू इमेजिन यूपीआई विदाउट कोर बैंकिंग, वो यूपीआई को मालूम ही नहीं चलता आपने बैंक से कितने पैसे निकाले और डाले हैं, चाहे यूपीआई हो, चाहे एटीएम, चाहे नेट बैंकिंग हो, सबका संबंध कोर बैंकिंग के डेटाबेस से होता है। इसे सब लोग एक जैसा ही बैलेंस बोलेंगे। इट इज अ मॉड्यूलर इन स्ट्रक्चर इज कैपेबल ऑफ बीइंग इंप्लीमेंटेड इन स्टेजेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। ये क्या बोल रहा है, मॉड्यूलर समझता है क्या? एक एक फेज वाइज मॉड्यूल 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 नहीं आपको समझा है।
देखो भाई, कोर बैंकिंग के बहुत सारे मॉड्यूल आते हैं, सारे मॉड्यूल को एक साथ में लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप फिनेकल लोगे इन्फोसिस से, तो इन्फोसिस बोलेगा पूरा लगाने को 5 साल लगेंगे, तो बैंक बोलेंगे वी कैनॉट वेट फॉर 5 ईयर्स, एक काम करो टुकड़ों टुकड़ों में लगा दो, वी कांट, एक साल में जो होगा वो लगा दो, फिर दूसरे साल में जो होगा तो क्या करते, एक एक चीज, इस बार पेमेंट कर दो, अगली बार डिपॉजिट कर दो, फिर अगली बार क्या करो रेमिटेंस करवा दो। तो बैंक जितनी सर्विसेज देती है ना, हर एक सर्विस का एक एक टुकड़ा हर बार इंप्लीमेंट होता है, इसलिए उसको मॉड्यूलर कहते हैं। देखो फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन इज पॉसिबल, चिट्ठी लग रही होगी गंदगी मत करो वहां पे, जगह नहीं, तो फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन इज पॉसिबल। ओके, ओके मित्रों, आपने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा होगा कॉमन डेटाबेस, चिट्ठी लगाओ। मैं आपको कोर बैंकिंग का एक डायग्राम दे रहा हूं, और उस डायग्राम से आपके 2-3 पॉइंट वैसे भी खत्म हो जाएंगे। लिखो कोर डायग्राम, डायग्राम कोर की कैसी होगी, कोर की डायग्राम कैसी होगी, ये देखिए ऐसी होगी। देखो मैं कुछ बोल रहा हूं, सुनो ना, सुनते क्या, ये कौन है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, 3, 4, 5, इनका डेटाबेस इनके पास ही हुआ करता था जब बराबर है, इसका इसके पास इसका सबका अपना 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 अपना, जब कोर आया फिर क्या हुआ, ये कॉमन डेटाबेस बना, ब्रांच 1 ने पैसा यहां पर डाला, अरे डाला ना पैसा, फिर क्या हुआ, ब्रांच 1 से पैसा आपने यहां डाला कि मैंने 50 जमा करवाए, क्या यही ब्रांच 2 से भी मिलेगा, ब्रांच 3 से भी मालूम चलेगा, सबको मिलेगा, बिकॉज सबका कॉमन, ये इसको बोलता हूं मैं कॉमन, सुनो और सुनो, क्या ये भी एटीएम को भी दिखता है, क्या ये मोबाइल को भी दिखता है, क्या ये नेट बैंकिंग में भी दिखता है, क्या जीपे में भी ये दिखता है, सबका बैलेंस सेम क्यों दिखता है, कॉमन डेटाबेस, ये जब कोर आया तब हुआ। इसलिए अगर आपने मान लो यहां से पैसे निकाले, तो अगर मान लो यहां से ब्रांच 1 से पैसे डाले, तो ब्रांच 2 निकाल सकता है क्या, मान लो 10,000 कम हो गए, तो 40 किसको दिखेंगे, सबको, बिकॉज सबको डेटा यहां से ही फ्लो होता है, रियल टाइम होता है। ये आपको निकालना है डायग्राम, जब आप कोर बैंकिंग का क्वेश्चन आया ना, तो पहले ये डायग्राम डालना, लेट इट मास्क एनी क्वेश्चन, बिकॉज ये कोर का फंडामेंटल है, इससे क्लियरली समझता है, पहले कोर नहीं था तो पहले डेटाबेस भी अलग अलग थे और ऐप भी, हर ब्रांच अपने अपने तरीके से कुछ भी कर रहा था, जब कोर नहीं था तो ऐसा था, इट वॉज वॉट, ब्रांच सेंट्रिक, नो कॉमन डेटा बेस, कोई कॉमन डेटा बेस नहीं था। मुझसे गोविंद कहे मीरा गोविंद, गोपाल गाने लगी दुख लाखों सहे, मुझसे गोविंद कहे मीरा गोविंद, गोपाल गाने लगी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी बली।
गाना हम सभी के लिए, जो एक मेरी बात हर जगह पे जुदा हो जाएंगे। बैच जिस दिन समाप्त होगी आपको ये गाना बहुत याद आएगा। याद है कौन सा है? आपको ऐसा लग रहा होगा आप किसी ढाबे पे बैठे हो या किसी ट्रक का ड्राइवर का फीलिंग आ रहा होगा। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, भाओगे निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। ओके हो गया लिखे। ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूं आप ट्रक में बैठे हो। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ये हो गया लिखिए आपका हुआ के। Hey guys, welcome back. खिचे खिचे हुए रहते हो क्यों? खिचे खिचे हुए रहते हो, ध्यान किसका है जरा बताओ तो, ये इम्तिहान किसका है। हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा, हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा, नई सड़क पे पुराना मकान किसका है। Hey guys, welcome back. Okay guys, लगा था बेटा मुझे पढ़ाना भी है, गाने का मनोरंजन इसलिए कहते हैं आपका मन लगा रहे। बाकी मेन मकसद तो यही है, कॉमन डेटाबेस आपने देख लिया भैया, सवेरे गाड़ी जो है ना ट्रक दिला देंगे, रुको इधर। कोर बैंकिंग में कॉमन डेटाबेस होता है। पॉइंट नंबर टू, ब्रांच फंक्शन एज डिलीवरी चैनल्स। वहां पे ब्रांच का काम सिर्फ डिलीवरी चैनल है, बेसिक डेटा तो डेटाबेस में होता है ना, उनका काम सिर्फ लोगों से बातचीत करना होता है, और इसलिए लोगों ने आजकल ब्रांच में जाना बंद कर दिया है, बिकॉज वही काम एटीएम से और वही काम मोबाइल से होता है, तो ब्रांच में ऐसा आजकल बहुत कुछ होता नहीं है। तीसरी बात क्या, इट इज सेंट्रलाइज्ड, अंडरलाइन द वर्ड सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग एप्लीकेशन। लिखो वन सॉफ्टवेयर फॉर द एंटायर बैंक। पॉइंट नंबर तीन का आंसर,
देखा ना सेंट्रलाइज बैंकिंग वन सॉफ्टवेयर पूरे और नेशन का एक इच वन सॉफ्टवेयर फॉर द एंटायर बैंकिंग. चोरी. पॉइंट नंबर चार दोस्तों, आप जानते हो कि यहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग मोबाइल कंप्यूटिंग आपने लिखा होगा पॉइंट फोर का आंसर. पॉइंट फाइव में क्या लिखा कि आप कहते हो कि बहुत सारे एनीवेयर एनी टाइम आपका बस वाला फायदा हो रहा है. पॉइंट नंबर सिक्स में आपने लिखा कि मॉड्यूलर है फेज वाइज लगा सकते हो. और पॉइंट नंबर सात में आपने लिखा है पढ़ता हूं मैं अ सीबीएस सॉफ्टवेयर ऑल्सो इनेबल्स इंटीग्रेशन ऑफ ऑल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इनहाउस बैंकिंग सॉफ्टवेयर. वो क्या बोल रहा है, अगर आपने इंफोसिस से कोई कोर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर लिया आप उसमें और भी कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर घुसेड़ना चाहते हो जिसको हम लोग बोलते हैं एपीआई से हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर को लिंक कर सकते हैं. यानी कि ये सॉफ्टवेयर ले लिया आपने इंफोसिस का, आपको पता दो चार चीजें वो नहीं है जो मुझे डालना है, तो आप अपना सॉफ्टवेयर से लिंक करा के इसको बड़ा बना सकते हैं थर्ड पार्टी. यानी यू बाइंग वन सॉफ्टवेयर यू फील दैट यू वांट टू ऐड दोस टू सर्विसेज इन दिस सॉफ्टवेयर, तो आप एपीआई से कनेक्ट कर सकते. ये बहुत मुमकिन है हमसे, बोला था ना. आप कोई चीज हर बार तुम्हें खुद को बनाने की जरूरत नहीं, आप दूसरी चीजों को यहां पर डाल सकते हो. ओके, ये है क्वेश्चन ओवरव्यू ऑफ कोर बैंकिंग. ठीक है ना, इसमें कौन से वर्ड आपको याद रखना है. अंडरलाइन द वर्ड डेटाबेस, अंडरलाइन द वर्ड ब्रांच, अंडरलाइन द वर्ड यहां पे सेंट्रलाइज बैंकिंग, अंडरलाइन द वर्ड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरलाइन द वर्ड बेनिफिट्स टू कस्टमर, अंडरलाइन द वर्ड मॉड्यूलर, अंडरलाइन द वर्ड थर्ड पार्टी. ये इसके प्रमुख पॉइंट है कोर बैंकिंग को ओवरव्यू करने के लिए. ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आप जवाब देना. मॉड्यूलर का मतलब क्या है, फेज वाइज. थर्ड पार्टी का मतलब क्या है, आप थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर में घुसेड़ सकते हो. उसके बाद में बताओ इसका मतलब वो क्या है. सेंट्रलाइज एप्लीकेशन वन सॉफ्टवेयर, कॉमन डेटाबेस सबका मिला के एक ही डेटाबेस, ब्रांच सिर्फ क्या रह गई अब. एस सच बैंक में बहुत बड़ा ब्रांच में बहुत बड़ा काम कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ एक डिलीवरी एक माध्यम बन चुका है. कहते हैं हम लोग यहां पे कस्टमर को सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिल रहा है, कहीं से भी कभी भी रात में दिन में कभी भी बैंकिंग कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बोलो, आर दे यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी. बिल्कुल सही है. अब आएंगे दोस्तों की मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस, दिखा यहां पे बैक एंड सेंट्रल एंड फ्रंट एंड, ऐसा कुछ दिख रहा है. देखो ये सब दिख रहा है, बैक एंड में बैक ऑफिस, क्रेडिट कार्ड सिस्टम, डेटा वेयरहाउस, एटीएम, सेंट्रल सर्विस, फ्रंट एंड में फोन बैंकिंग, ब्रांच बैंक. ये हुआ है आपका, ये क्वेश्चन हुआ है. उसके बाद में बाजू में मैं वो करवा रहा हूं, हुआ मतलब करवा रहा हूं मैं. कोर फीचर्स दिख रहे होंगे आपको, कोर फीचर्स, कोर यानी कि वो वैसा कोर नहीं, कोर का लॉन्ग फॉर्म है एक्चुअली. कोर यानी हम लोग कोर प्रोसेस, वैसा कोर नहीं जो अपना नॉर्मल इंग्लिश का कोर नहीं है, ये कोर है. यानी कि सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट का फीचर है ये, ठीक है ना. ऑनलाइन रियल टाइम होता है, चिट्ठी लग चुकी होगी इसकी, हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं. आपको क्यों लगता है कि रियल टाइम है ये, आपने डेबिट कार्ड से पैसे निकाले तुरंत ही आपके नाम पे डेबिट हो जाता है. रियल टाइम यानी कि अभी पैसे निकाले, अभी हुआ तुरंत. लिखो एग्जाम्पल, व्हेन वी विड्रॉ फ्रॉम एटीएम इमीडिएटली वी गेट डेबिटेड, इसलिए उसको रियल टाइम बोलते हैं. व्हेन वी विड्रॉ फ्रॉम एटीएम वी गेट डेबिटेड इमीडिएटली, फंड्स फ्रॉम एटीएम वी गेट डेबिटेड इमीडिएटली. दूसरे पॉइंट का भी वही मतलब है, ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इमीडिएटली. सेकंड्स कम बोल रहा हूं मैं, सेकंड से मिली सेकंड में डेबिट होता है वो. जीपे में तो अपन पैसे बाद में आते हैं, पहले डेबिट आते हैं, एसएमएस आता है. अब जीपे वाला तो अलग ही चलता है, वो बाद में बचता है, पहले उसका मैसेज क्रिएट होता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड. तो इस तरह बोलते ना ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इमीडिएटली. लिख दो एग्जाम्पल जीपे. ऑल डेटाबेसेस अपडेटेड, ऑल मतलब क्या रहे? आपने पैसे एटीएम से निकाले ना, तुरंत जीपे में भी रिफ्लेक्ट करता है, मोबाइल में भी रिफ्लेक्ट करता है, हर जगह पे. एक सोर्स से पैसे निकालो तुरंत दूसरे में भी दिखता है, सेंट्रलाइज ऑपरेशन. अरे क्या वही वही नौटंकी कर रखा है वे, वो वही मतलब है. सेंट्रलाइज क्या बोल रहा है, क्या सेंट्रलाइज, लेकिन इट इज नॉट ब्रांच सेंट्रिक. हर पॉइंट का मतलब दे रहा हूं मैं, चौथे पॉइंट का मतलब लिखो. इट इज नॉट ब्रांच सेंट्रिक मतलब क्या भाई, हर एक का अलग अलग नहीं है, सबका कॉमन है. उसके बाद में क्या लिख रहा रे, सेपरेट हायरार्की का मतलब क्या है, सेपरेट हायरार्की फॉर बिजनेस एंड ऑपरेशंस मतलब क्या, वैसा नहीं, सेपरेट हायरार्की फॉर बिजनेस एंड ऑपरेशंस.
यानी कि जो CBS है ना, सेपरेट हायरार्की, मतलब क्या कि अगर मेरे बिजनेस में 10 लोगों को एक्सेस देना चाहता हूँ सेम ही बैंक अकाउंट का, तो मेरे पासवर्ड अलग करता है, मेरे बंदों का पासवर्ड अलग होगा, उनके से अलग दिखेगा, मेरे से अलग दिखेगा, नहीं समझा? हर काम मैं नहीं कर सकता हूं, तो मेरे सेम पासवर्ड मैंने मेरे बंदों को भी दे रखा है, पर उनको मैंने उतना ही दिया है जितना मुझे रिस्क नहीं लगती। तो क्या करते हैं मालूम क्या, सब काम करके रखते हैं, मैं सिर्फ पासवर्ड डाल के उसको अप्रूव करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 20-25 लोगों को पेमेंट देना है, वो सारा काम करके रखेगा, बाद में मैं सिर्फ एक बार रिव्यू करूंगा ना, ओके कर दूंगा, पेमेंट हो जाएगा। अगर सारा काम मेरे आईडी पासवर्ड से होगा तो मेरा टाइम लग जाएगा बहुत। तो उनके पास में आईडी पासवर्ड है, हर एक हायरार्की को मैंने आईडी पासवर्ड दे रखे, पर उनके आईडी पासवर्ड से कुछ निर्धारित काम ही होते हैं। बोलो, लिखो, डिफरेंट आईडी पासवर्ड एंड एक्सेस फॉर डिफरेंट यूजर्स ऑफ द सेम अकाउंट। अकाउंट मेरा सेम ही है, क्या बोला मैंने अभी, डिफरेंट आईडी पासवर्ड फॉर डिफरेंट यूजर्स, डिफरेंट आईडी पासवर्ड फॉर डिफरेंट यूजर्स फॉर द सेम अकाउंट। बिजनेस सर्विस कस्टमाइज मतलब प्रोडक्टाइज मतलब क्या, इट कैन बी कस्टमाइज एज पर द यूजर। लिखो पॉइंट नंबर 6 में, इट कैन बी कस्टमाइज एज पर SPC। SPC ने बोला हमको 2-3 फीचर चाहिए, तो उन्होंने बना के दे दिया। अब मैंने तो आपको करके भी दिखाया, मेरे सॉफ्टवेयर में ही बैंक खुलता है आजकल, मैं ICICI के एप्लीकेशन पे नहीं जाता हूँ। रिमोट इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, कस्टमर को बैंक जाने की जरूरत है ना, कस्टमर नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू द ब्रांच। लिखो, कस्टमर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट बैंक, बैंक के ही काम घर पे ही, मोबाइल पे, किसी भी जगह से, कोपचे में, रेस्टोरेंट से, थिएटर से, यहाँ किधर से भी आप, जहां से लगे वहां से। कस्टमर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू, बोलो क्या नेक्स्ट, बोलो रिलायंस ऑन ट्रांजेक्शन। रिलायंस मतलब क्या, रिलायंस मतलब रिलाय कर सकते हो, भरोसेमंद। लिखो भरोसेमंद। अरे बैंक जो डेबिट क्रेडिट करता है ना, हम कभी ऑडिट नहीं करते, वो सही कर रहे हो, अब मालूम है सही होने वाला है। यहां तक कि ATM से पैसा निकलता हम लोग गिन के भी नहीं देखते सही दे रहा है कि नहीं, भरोसेमंद है। कोर बैंकिंग के बैलेंस के चरित्र पर कभी डाउट नहीं आता, बैंक का स्टेटमेंट आया मतलब हम समझते सही होगा, घर वालों पर भरोसा नहीं पर बैंक पर है। हाईली डिपेंडेंट सिस्टम बेस्ड कंट्रोल, क्या सिस्टम है? लिखो ऑटोमेटिक आईडी पासवर्ड पूछता है, वो OTP पूछता है, ऑटोमेटिक आईडी पासवर्ड OTP। सिस्टम के अपने अंदरूनी कंट्रोल्स है, गलत लोगों को एक्सेस देगा नहीं, वो खुद ही OTP पूछता है, खुद ही आईडी पासवर्ड पूछता है। ये क्या लिखा, देखो 9 और 10 पॉइंट से मी ऑथोराइजेशन अकर्स विद इन द एप्लीकेशन। अरे खुद ही विद इन मतलब वहां पे कोई बंदा नहीं बैठा है, वो खुद ही पूछता है OTP, 3 बार गलत आ रहा है तो खुद ही ब्लॉक करेगा। 5-10 मिनट मत यूज करो, सेशन आउट करके वापस करना, तो वापस आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो क्या विद इन मतलब समझा कि वो, उसको कोई बंदा नहीं बैठा, वो खुद ही खुद इतना होशियार है, खुद ही कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है उसका, किसका, CBS का कंट्रोल खुद ही खुद है। नेक्स्ट, इंक्रीज एक्सेस बाय स्टाफ एट व्हाट, वही बोला ना, स्टाफ को भी हम लोग ऊपर ऑलरेडी कवर किया मैंने पॉइंट, वो क्या बोल रहा है, SPC मतलब SP को जो अकाउंट मिला है उसका एक्सेस मैं मेरे बंदों को भी दे सकता हूं, स्टाफ को भी। अरे यार, इंक्रीज एक्सेस बाय स्टाफ यानी मेरे आईडी पासवर्ड मैं अपने बंदों के साथ शेयर करूंगा, सिर्फ मैं बोल दूंगा इनको आईडी पासवर्ड दो, पर इसका लिमिट लगाओ। मैंने मेरे ऑडिटर को भी आईडी पासवर्ड दे रखा है, मेरे इंटरनल ऑडिटर को भी दे रखा है, वही लिखा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, डेली हाफ ईयरली एनुअल क्लोजिंग, क्या बोल रहे हैं ये, उसको बोलते ना डेली, तो हर 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 दिन आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कौन वो नहीं करते, वो बैंक वालों ने बोल दिया ना, स्वप्निल पाटिल ने लोन लिया है, इसको हर रोज इंट्री, हर रोज इंटरेस्ट चार्ज करो, तो हर रोज करेगा वो। उसको बोला मंथली, तो मंथली चार्ज करे, उसको बोला क्या ईयरली, तो क्लोजिंग आप जैसा बोलोगे सॉफ्टवेयर करेगा। उसको बोला अगर हर महीने के बाद में SPC को SMS कर देना तुम्हारा लोन का इतना पैसा है, वो तुरंत SMS करेगा, वो खुद क्लोज करेगा। लिखो, इंटरेस्ट कैश, इंटरेस्ट कैन बी चार्ज डेली, हाफ ईयरली, एनुअली एज पर द सजेशन। कोई बताएगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? देखो, बैंक विल मेक द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ, बैंक विल मेक द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन ऑन बिहाफ ऑफ, क्या बोला मैंने,
विल मेक द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ किसके? कस्टमर. सेंट्रलाइज इंटरेस्ट क्या होता है? बैंक में अगर 12% का इंटरेस्ट चल रहा ना, तो सारी ब्रांच 12 ही बोलेगी, बिकॉज सबको एक ही ऐप दिखता है. जैसा बिग बाजार में सबके रेट सेम होंगे, वैसे ही बैंक में सबके इंटरेस्ट रेट सेम होंगे, बिकॉज एवरीबडी यूजिंग कॉमन ऐप. देखो, इंटरेस्ट रेट विल बी सेम अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस. इंटरेस्ट रेट विल रिमेन व्हाट? सेम फॉर किसके लिए? सेम फॉर ऑल द ब्रांचेस. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज इट यूजेस व्हाट? कॉमन ऐप. कॉमन ऐप. और लास्ट टाइम भी क्या लिख रहा है? एनी टाइम एनीवेयर लिख रहा है. एनी टाइम एनीवेयर. एनी टाइम एनीवेयर क्यों लिखा है? कभी भी यूज कर सकते हैं, कहाँ भी यूज कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटल में, क्लासेस में, एनी टाइम, सवेरे, रात में, दोपहर में. आजकल तो जीपे किधर भी चलता है. तो ये इसका एक टेक्निक हमें लिखना है. वो जरा अपने को वर्ड वाला फाइल खोलो रे, जो मैंने दिया है उसमें टेक्निक है इसका. बताना भाई मैंने क्या दिया था आपको. किसी उसमें है क्या? कोर फीचर्स ऑफ CBS. कर लेता हूं मैं. लास्ट चैप्टर में दिख रहा होगा आपको. नहीं, हाँ कुछ तो है ना. कहाँ पे है रे? नहीं, बुक के पीछे, पर इसमें भी तो होगा ना. ये वर्ड में नहीं क्या? फोर्थ तक ही है. अच्छा, इसमें फोर्थ तक है ना. तो अपने जो बुक में आखिरी में देख लो. रिलायंस कंपनी में जो ऑथराइज एम्प्लॉय है, डेली एनीवेयर ऑनलाइन सेंट्रलाइज डेटाबेस पे साइमल्टेनियसली डेटा पोस्ट कर सकते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्या? कहां पे है? आपके बुक में आखिरी पन्नों पर जो मेमोरी टेक्निक दिया है. ये देखो, ये है लायंस कंपनी में जो क्या लिखा है. इधर देख लो, स्क्रीन पे खत्म करेंगे. लायंस कंपनी में जो ऑथराइज एम्प्लॉयज है, ठीक है, ऑथराइज एम्प्लॉयज होंगे रिलायंस में, जो एनीवेयर ऑनलाइन सेंट्रलाइज डेटाबेस पे क्या करते हैं, कहीं भी जाके ऑनलाइन क्या करते हैं, सेंट्रलाइज डेटाबेस पे साइमल्टेनियसली डेटा पोस्ट करते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक बार बोलेंगे, लायंस कंपनी में कुछ ना कुछ तो ऑथराइज एम्प्लॉय होंगे जो ऑनलाइन रियल टाइम साइमल्टेनियसली डेटा पोस्ट कर सकते हैं. किसके ऊपर? सेंट्रलाइज डेटाबेस में पोस्ट करते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वापस बोलना, रिलायंस कंपनी में जो ऑथराइज एम्प्लॉय है वो एनीवेयर ऑनलाइन सेंट्रलाइज डेटाबेस पे साइमल्टेनियसली पोस्ट करते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वंस अगेन, रिलायंस में जो ऑथराइज एम्प्लॉय है वो एनीवेयर डेली एनीवेयर ऑनलाइन सेंट्रलाइज डेटाबेस पे साइमल्टेनियसली पोस्ट करते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अब इसके वर्ड्स भी बाजू में दिए हैं. रिलायंस यानी रिलायंस, रिलायंस यानी कि इस कोर बैंकिंग के ऊपर हम लोग रिलाय कर सकते हैं. ऑथराइज यानी कि ऑथराइजेशन अकर्स व्हाट? वो ऐप खुद ही आईडी पासवर्ड पूछ, ध्यान देंगे आप लोग, ऑथराइज यानी खुद ही आईडी पासवर्ड पूछ लेता है. एम्प्लॉयज, हम एम्प्लॉयज को भी अलग अलग टाइप का एक्सेस दे सकते हैं, डेली, मंथली, ईयरली, जैसा चाहे वैसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं. एनीवेयर एनी टाइम कोर बैंकिंग होता है. ऑनलाइन होता है मतलब क्या? ऑनलाइन रियल टाइम, जैसे एटीएम से बाहर निकलने से पहले आपके नाम पे डेबिट हो जाएगा. सेंट्रलाइज डेटाबेस यानी कोर बैंकिंग का एक ही डेटाबेस, वो ब्रांच सेंट्रिक तो है नहीं. साइमल्टेनियस यानी कि अगर आपने ब्रांच से पैसे निकाले तो वो एटीएम को भी मालूम चल जाता है, जीपे को भी मालूम चल जाता है, मोबाइल पे भी आ जाता है. और उसके बाद में इंटरेस्टिंग यानी कि इंटरेस्ट वो अपने आप ही चार्ज कर लेता है. इंटरेस्ट यानी कि सारे पॉइंट्स का मतलब आपके साथ में है. राइट एवरीवन, बोलेंगे एक बार, रिलायंस का मतलब क्या है? यानी कि हम लोग कोर बैंकिंग पर रिलाय कर सकते हैं. ऑथोराइज, वो आईडी पासवर्ड खुद ही पूछ लेता है. एम्प्लॉयज, हम एम्प्लॉय को भी बहुत सारा एक्सेस दे सकते हैं. डेली यानी कि डेली वो एनीवेयर दुनिया में कोर बैंकिंग को कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं. ऑनलाइन, ऑनलाइन रियल टाइम है,
सेंट्रलाइज सबका मिला के कॉमन डेटाबेस है। साइमल्टेनियस मतलब क्या रे? एक एटीएम से पैसे निकालो वो मोबाइल पे भी आ जाता है, जीपे भी, हर जगह पे बैलेंस चेंज हो जाता है। और क्या है रे इंटरेस्टिंग मतलब क्या? इंटरेस्ट वो खुद ही चार्ज कर देता है। कौन? अपने उसको बोल दिया ना इंटरेस्ट चार्ज करो तो वो बैंक का ऐप खुद ही इंटरेस्ट चार्ज कर देता है। अभी आप क्या करो, आपका जो चार्ज चल रहा है वहां पे लिख दो रेफर, ये पेज नंबर, इसका मेमोरी टेकिंग यहां दिया हुआ है। समझा कि मैं क्या बोला? रेफर पेज नंबर M8, रेफर पेज M8 फॉर मेमोरी टेक्निक। रिलायंस में जो ऑथराइज एम्प्लॉयज है वो डेली बेसिस पे एनीवेयर ऑनलाइन साइमल्टेनियसली सेंट्रलाइज डेटाबेस पे पोस्ट करते हैं। कहां पे पोस्ट करते हैं एक बार बोल के बताओ? रिलायंस में जो ऑथराइज एम्प्लॉयज है वो डेली बेसिस पे एनीवेयर ऑनलाइन सेंट्रलाइज डेटाबेस पे साइमल्टेनियसली पोस्ट करते हैं, जो बहुत ओके। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो गाइस, टेक केयर।